जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, हमने देखो भाई, टाइप नंबर वन है ये। समझो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को 16.2/3% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखो मैंने प्रतिशत में बताया था 16.2/3% के क्या होता है, 16.2/3% को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा ना बच्चों, तो 1/6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो 16.2/3% का लाभ होता है 1470 रुपए में बेचने से, यानी मैं मानूंगा कि मेरा क्रय मूल्य क्या है, 6 रुपए है, और ये लाभ और हानि होती है, यानी प्रॉफिट कितना है, ये हो जाएगा 1 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस 6 है और लाभ 1 रुपए का हो रहा है, तो कितने की बेची होगी वह चीज, 7 रुपए की, यानी ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये हमारे अकॉर्डिंग है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1470 रुपए में बेचने से, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेचने से, 7 रुपए में बेचने से लाभ हो रहा है इतना, तो यहां पर 7 यूनिट को हम 1470 के बराबर रखेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 210। बताना क्या है हमने, क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका सीपी क्या होगा। सीपी हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 6 यूनिट है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, गुणा में 210, इसको भी 210 गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 0, 6, 6 दुनी 12। ठीक है, ठीक है, कितना आया हमारा, 1260 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। एक बार फिर देखो दोस्तों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो 16.2/3% का लाभ हो जाता है 1470 रुपये में बेचने से। ठीक है, देखो लाभ और हानि हमेशा किसको होती है, क्रय मूल्य पर। 6 रुपये क्या है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया, 1/6, 6 रुपये का ये क्रय मूल्य आ गया, 6 रुपये, 1 का लाभ ले रहा है, यानी वस्तु को कितने में बेच रहा है, वो 7 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है 1470 रुपये में, कितने गुना ज्यादा है, 210, तो क्रय मूल्य क्या है हमारा, 6, इसको भी 210 गुणा कर दूंगा, तो 1260 रुपये आ गया। बिल्कुल सिंपल ला। अगला क्वेश्चन देखें, टाइप टू। देखो टाइप नंबर टू, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपये हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने उसका वस्तु का क्या बताना है, सीपी बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, 8.1/3% को बच्चों किस में तोड़ लेंगे, फ्रैक्शन में, इसको मैं कह सकता हूं 1/12। ठीक है, अब देखो 8.1/3% है ये, 1/12 का इतने में बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा सीपी है, इसलिए हमने ये ले रहा है, ये लाभ ले रहा है ऊपर, प्रॉफिट क्या होता है, ऊपर वाला सीपी होता है, सीपी एसपी हम नीचे वाले को मान लेंगे। ठीक है, अब देखो 12 रुपए का क्रय मूल्य है, 1 रुपए का लाभ ले लिया उसने, यानी वस्तु को कितने में बेचा होगा, 13 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट में कि उसने क्या, कितने रुपए में बेची है वह चीज, 65,780 रुपये में। ठीक है, यहां लिखेंगे 65,780 रुपये में, यानी कितने गुना, 5,060 गुना। ठीक है, 13 से भाग देकर देख लिया करो, पता चल जाएगा कितने गुना है। ठीक है ना, अब देखो हमने क्या बताना था, कॉस्ट प्राइस बताना था, इसको भी मैं 5,060 गुना कर दूंगा, तो क्या आ गया हमारा, 60,720 रुपये, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ा, 1/12, 12 को मानेंगे सीपी, 1 का लाभ है, 13 में उसने बेच दी है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 65,780 में बेची है, कितने गुना, 5,060 गुना, तो इसको हमने क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 12 यूनिट है, इसको मैं भी 5,060 गुना कर दूंगा, तो कितना आ गया हमारा, 60,720 रुपये। ठीक है, अगला टाइप देखो, टाइप नंबर तीन। देखो भाई टाइप नंबर तीन, देखो इसमें कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3 लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। देखो 16.2/3% लाभ जो ले रहा है ना बच्चों, वो
वो ले रहा है विक्रय मूल्य पर, ठीक है। अब की बार उसने प्रॉफिट उठा लिया, कितने पे है, विक्रय मूल्य पर उठाया है, लेकिन एक्चुअल में तो उसका जो वास्तविक लाभ आएगा ना, जो ठीक है रियल में जो उसने प्रॉफिट कमाया है, वो हमें किस पर कैलकुलेट करना होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिख दिया, 1/6, ठीक है। अब जो ये लाभ लिया है ना, ये 1 रुपये का जो ये लाभ लिया है, ये उसने लिया है सेलिंग प्राइस पर, ये हमारा अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है कितना है। देखो 6 रुपये में बेचने से किसी वस्तु को 1 रुपये का लाभ अगर होता है, तो इसका मतलब 5 रुपये उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, 5 रुपये था। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो 1 रुपये का लाभ है 5 रुपये पर, 5 क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100, तो कितना आ गया, 20% का उसने क्या लिया है, लाभ लिया है, ठीक है। अब देखो लाभ एक्चुअल में कितना परसेंट आया उसका, 20%, ठीक है। अब इसने विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा था, यानी अभी हमारा सेलिंग प्राइस था, ये लाभ था, सेलिंग प्राइस 6 रुपये में बेची है, 1 रुपये का लाभ ले रहा है वो, इसका मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा है, 5 रुपये रहा है, ठीक है। 1 का लाभ कॉस्ट प्राइस है 5, गुणा में 100, और कितना आ गया, 20%, ठीक है। अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना 20% के रूप में करता है, लेकिन वही से किस पर कर लेता है, विक्रय मूल्य पर कर लेता है। तो हमने वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि उसको सेलिंग प्राइस पर लाभ की लाभ उसने जो है ना काउंट कर लेता है वो, लेकिन हमने बताना वास्तविक लाभ, और वास्तविक लाभ हमें कैसे पता है कि किस पर काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। देखो कैसे करेंगे इसको, 20% अगर उन्हें प्रॉफिट लिया है, यानी 1/5, जो ये 5 है ये क्या है हमारा एसपी है, और ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, यानी ये लाभ है, ठीक है। 5 रुपये में एक चीज बेचने से 1 रुपये का अगर लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी 4 रहा होगा, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट बताना है कि एक्चुअल में क्या है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो किस पर काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 4, तो गुणा में 100, 4 से काटो कितना आया 25, तो 25%, ये एक्चुअल उसका क्या है प्रॉफिट है भाई, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, हानि को किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दे भाई क्वेश्चन देखो अगला। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 11 वस्तु 10 रुपए की दर से खरीदता है, तथा वह उन सभी वस्तुओं को 10 वस्तु 11 रुपए की दर से बेच देता है, तो हमने बताना है कि लाभ या हानि उसे कितने परसेंट हुआ है, ठीक है। देखो उसने 11 वस्तु खरीदी 10 रुपए की दर से खरीदी, ठीक है। दूसरी बार उसने बेची कितनी, 10 वस्तु बेची 11 रुपए की दर से बेच दी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम आर्टिकल की जो वैल्यू है, आर्टिकल की जो संख्या है ना, उसको हम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, उससे हमारा और आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 11 वस्तु दस रुपए की दर से खरीदी, यानी क्या है, क्या है ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या है ये कॉस्ट प्राइस है, खरीदी है ये 11 वस्तु 10 की दर से। अब देखो उसने बेच दी सेलिंग प्राइस 10 वस्तु कितने की, 11 रुपए की। अब देखो हमने इन वस्तुओं को बराबर करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 110, ठीक है, इसको हम कर देंगे ऊपर वाले को तो 10 से गुणा, अगर यहां 10 से गुणा किया है ना, तो इसको 10 से गुणा यहां भी करना होगा। अब इसको कर देंगे 11 से गुणा, अगर इसको 11 से यहां किया है, तो 11 से यहां भी कर देंगे। अब देखो
नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए ना, अब ये कितना हो गया 110, कॉस्ट प्राइस 110 आर्टिकल खरीदे, बेचे उसने 110 आर्टिकल। अब देखो 100 रुपए में बेचे, 100 रुपए में खरीदे सॉरी, और बेचे कितने में 121 रुपए में बेच दिए। आर्टिकल सेम हो गए ना, 110 आर्टिकल अब 100 रुपए के खरीदे हैं, 110 आर्टिकल उसने बेचे 121 के हैं, तो यहां से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 21 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया है। यानी 21 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पे कमाया है, तो कितने परसेंट हो गया, 21% क्या हो गया उसका, लाभ हो गया उसने। ठीक है, यहां लिख देंगे हम प्रॉफिट। ठीक है, कितना लाभ कमाया उसने, 21% का। एक बार फिर देखें ध्यान से, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं 2-3 और करवाऊंगा, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लेने हैं हमने, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है और हमारा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। 11 वस्तु 10 की दर से खरीदी है, 10 वस्तु 11 की दर से बेची है, यहाँ पे 11 वस्तु है, यहाँ पे 10 है आर्टिकल, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ नीचे 10 है ना तो ऊपर 10 से गुणा कर दी, यहाँ 11 था नीचे 11 से कर दी, यानी एलसीएम ले लिया। ठीक है, 110 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 10 से गुणा करी है ना, तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ 11 से की है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगी। ठीक है, तो 110 आर्टिकल, 110 आर्टिकल खरीदे और 110 बेचे। अब देखो 100 रुपए में खरीदे और 121 रुपए में बेच दिए, प्रॉफिट हो गया हमारा 21 रुपए का। तो 21 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा किस पे काउंट करते हैं, कैलकुलेट वो सीपी पे करते हैं, सीपी हमारा क्या है, ये रहा 100 रुपए, तो 100 रुपए सीपी, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो कितना आ गया 21% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। अभी समय क्या कर रखे है, देखो एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, 4 वस्तु खरीदी 1 रुपए की दर से, फिर उतनी ही वस्तुएं 5 वस्तु खरीदी 1 रुपए की दर से, दो बार खरीदी है सेम, और वह उन सभी वस्तुओं को 9 वस्तु 2 रुपए की दर से बेच देता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे हानि होती है या लाभ होता है, ये भी हमने बताना है कि कितने परसेंट हानि हुई, कितने परसेंट का लाभ हुआ। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है कि यदि उसे आखिरकार 30 रुपए की अगर हानि होती है तो उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या भी ज्ञात करें, ये भी हमने बताना है। देखो इसका आसानी से हम इसको कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो यहां से देखो, सबसे पहले यहां से उठाएंगे क्वेश्चन, 4 वस्तु यानी खरीदी है उसने कितनी, कॉस्ट प्राइस 4 वस्तु 1 रुपए की दर से खरीदी, इतनी ही वस्तु दोबारा तो फिर खरीदी कितनी, 5, ये लिख लो 5, 1 रुपए की दर से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट है। अब देखो ये भी उठा लिया हमने, अब देखो 9 वस्तु 2 रुपए की दर से बेची, यानी ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस था जो है ना, 4 वस्तु खरीदी 1 रुपए की दर से, दोबारा से फिर उतनी वस्तु खरीदी 5 वस्तु 1 रुपए की दर से, अब उसने ये वस्तु जो है ना बेच दी, कितनी वस्तु बेची, 9 वस्तु बेची 2 रुपए की दर से बेची। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ना उसको सेम कर लेंगे। देखो या 9 है या 5 है या 4 है, ठीक नहीं है ना, इसको बराबर करें, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आया 180। ठीक है, अब देखो अब 4 को कितने से गुणा करें कि 180 आ जा, 45 से, तो 45 को मैं यहां भी गुणा करूंगा तो मेरा क्या आ गया, 45 रुपए। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, 180 वस्तु, आर्टिकल कितने हो गए, 180 हो गए। अब इसको भी 180 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा गुणा में, देखो 5 3 15, 5 6 का 30, 36 से गुणा करना पड़ेगा, 180 को 5 से भाग देगा, देख लिया और पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 180 दोबारा से, देखो
180, 36 से गुणा किया था, 36 को यहां भी गुणा करेंगे, कितना आ गया 36। अब देखो 180 वस्तु पहले खरीदी, 180 फिर बाद में दोबारा फिर खरीदी, इसका मतलब उसने टोटल 360 वस्तुएं खरीदी है। तो यहां पर वो बेच रहा है, तो बेचेगा तो 360 वस्तुओं को बेचेगा, इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 360 आ जाए, तो 40 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारी वस्तुएं आ जाएंगी 360 है। ठीक है, क्योंकि 180 एक बार खरीदी, फिर दोबारा 180 खरीदी, 360 उसने खरीदी है टोटल, और 360 ही वो क्या करेगा, बेचेगा। अब देखो 40 से यहां गुणा किया है, 40 को यहां भी गुणा करो, कितना आ गया 80। अब देखो 180 आर्टिकल उसने खरीदे थे 45 रुपए के, दोबारा फिर 180 खरीदे 36 रुपए के, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम, तो कितना आ गया हमारा 81, सॉरी 81 रुपये। यानी उसने आर्टिकल खरीदे 81 रुपए के और वे बेचे कितने में हैं, 80 रुपए में, यानी उसने क्या किया है, 1 रुपए का लॉस हुआ है उसका, 1 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो 1 रुपए की हानि है, यहां लिख लेते हैं इसको, 1 रुपए की हानि हुई है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 81, तो 1/81 है, तो गुणा में इसको परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1 सही 19/81, ये हमारी होगी हानि। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो अगर उसे अंततः 30 रुपए की हानि होती हो, हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी देखो 1 रुपए की हानि हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितनी, 30 रुपए की हो रही है, कितने गुणा, तो वस्तु की संख्या कितनी है, वस्तुओं की संख्या कितनी है, 360 थी ना, इसको भी मैं क्या करूंगा 30 गुणा कर दूंगा, तो हमारा वस्तुओं की संख्या आ जाएगी 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो 10,800, ये क्या आ गया वस्तुओं की संख्या आ गई। ठीक है, यहां निकालेंगे वस्तुओं की संख्या क्या थी 360, इसको भी मैं 30 गुणा कर दूंगा ना, तो हमारा 10,800 क्या आ जाएगी, वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको बहुत आसानी से मैंने समझाया है। देखो एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को, देखो 4 वस्तु थी 1 रुपए की दर से खरीदी, 4 वस्तु 1 रुपए की दर से खरीदी, फिर दोबारा से उतनी ही वस्तु 5 वस्तु 1 की दर से खरीदी, 9 वस्तु 2 की दर से बेच दी। यहां पर देखो इनका एलसीएम ले लिया, 180 वस्तु है 4, अब इसको कितने से गुणा कर दिया 45 से, 180 आ गया। ठीक है, 180 यहां भी 45 से कर दिया 45 रुपये। अब ये वस्तु है, इसको भी बराबर करेंगे 180, 36 से गुणा कर दिया, 36 को यहां से कर दिया गुणा। 9 वस्तु है, अब देखो 180 खरीदी, फिर दोबारा 180 खरीदी, कितनी खरीदी 360, तो 9 वस्तु बेची थी उसने, तो गुणा में 40 से कर दिया, तो 360 आ गई, 40 से यहाँ किया तो 40 से यहां भी गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 80, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखो 45 और 36 दो बार खरीदे उसने आइटम, तो आर्टिकल दो बार खरीदे हैं, तो 81 रुपए के खरीदे, 80 में बेचे, 1 रुपए की हानि, 81 रुपए कॉस्ट प्राइस पर काउंट होगी, तो 1 सही 19/81% की हानि होगी। अब 30 रुपए की हानि हो रही थी, रुपए में काउंट कर रखी है, रुपए में बता रखी है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 रुपए की हानि थी, क्वेश्चन में कह रहा है 30 रुपए की, तो गुणा में इसके कितने गुणा है 30 गुणा है, तो अगर यहाँ 30 गुणा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को मैंने क्या कर दिया, 360 थे हमारे अकॉर्डिंग, तो उसको भी 30 गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 10,800 नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 2 वस्तु 1 रुपए की दर से खरीदता है, तथा फिर उससे 2 गुणी वस्तुएं 3 वस्तु 1 रुपए की दर से खरीदता है, तथा सभी वस्तुओं को वह 4 वस्तु 1 रुपए की दर से बेच देता है, उसे हुए आने लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करें, यदि उस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे 45 रुपए की
हानि हो रही हो तो वस्तु की संख्या भी ज्ञात करें। देखो इसको कैसे करेंगे, दोबारा फिर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में सीधा पूछा जाता है दोस्तों यू। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, दो वस्तु यहां से उठाएंगे क्वेश्चन को, दो वस्तु 1 रुपए की, भाई 1 रुपए की दो वस्तु खरीदी, ठीक है, फिर उससे दो गुणी वस्तुएं खरीदी उसने, तीन वस्तु 1 रुपए की दर से, सीपी यहां आएगा, तीन वस्तु 1 रुपए की दर से, अब देखो चार वस्तु 1 रुपए की दर से उसने बेच दी, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कितनी, चार वस्तु 1 रुपए की दर से बेची। मैंने क्या समझाया था, इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल कर लेंगे। अब देखो इसको हम बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, ठीक है, इस दो को कितने से गुणा करेंगे, 12 आ जाए, दो से भाग देगा देख लो, 6 से, कितना आ गया 12, ठीक है, यानी पहली बार उसने 12 वस्तुएं खरीदी, अगर यहां 6 से गुणा किया है तो 6 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा, 6 रुपये, ठीक है। अब देखो तीन कितने से गुणा करने पड़ेगा, अब की बार क्या कर रहा है, दूसरी बार उसने ना दो गुणी वस्तुएं खरीदी है, देखो यहां से दो गुणी, यानी पहले उसने 12 खरीदी है ना, अब उसने कितनी खरीदी, 24 खरीदी है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 * 24 से, तो इसको भी 8 से गुणा करना पड़ेगा 8 रुपए में, समझे। अब ये 24 वस्तुएं खरीद ली, दो गुणी खरीद ली, 12 यहां खरीदी, 24 यहां खरीदी, टोटल कितनी होगी, 36 वस्तुएं खरीद ली, इसका मतलब इस चार को कितने से गुणा करा के 36 आ जाए, 9 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 9 * 6 = 36 वस्तुएं आएंगी टोटल बेचेगा, तो वस्तु बराबर करनी थी, यहां अगर 9 से गुणा किया तो यहां भी 9 से गुणा करना पड़ेगा 9 रुपये, ठीक है। अब देखो 6 रुपये पहली बार खरीदी वस्तुएं, 8 रुपये की दूसरी बार, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14 रुपये की खरीदी, 9 रुपये की बेच दी, कितनी हानि हुई है उसे, 5 रुपये की हानि हुई है, 5 रुपये की हानि है, टोटल कितने से 14 पर, यानी क्रय मूल्य कितना है 14, दो 14 है ना, कोई भी प्रॉफिट या हानि हम किस पर निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य पर निकालते हैं, 14 रुपये पर 5 रुपये की हानि हुई है गुणा में 100, कितने परसेंट है ये, 35 ही 5/7%, ये उसको क्या हुई है, हानि होगी भाई, यहां तक ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ तो परसेंटेज में आ गया नहीं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, 45 रुपए की हानि हुई है, 14 रुपए की चीज खरीदी, 9 रुपए में बेची, 5 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब पांच, हमारे अकॉर्डिंग 5 रुपए की हानि हुई है उसको, ठीक है, ठीक है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन में 45 रुपए का लॉस हुआ है, देखो यहाँ पे तो कितने गुणा, 9 गुणा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने बताने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 36 हैं, इसको मैं क्या करूंगा, 9 से गुणा कर दूंगा, कितना आ गया 324, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए मित्रों, 324 ये आ गया, ठीक है। वस्तुओं की संख्या बराबर करी, दो वस्तु खरीदी, ठीक है, 1 रुपए की दर से, तीन खरीदी 1 रुपए की दर से, चार खरीदी 1 रुपए की दर से, बराबर कर लिया वस्तुओं की संख्या को, 6 रुपये और 8 रुपये दोनों को जोड़ दिया, 14 रुपये की चीज 9 में बेच दी, 5 रुपये की हानि होगी, 5 रुपये की हानि 14 रुपये पर, 35 सही 5/7% का लॉस हो गया, 5 रुपए की हानि हुई, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 45 रुपए की, 9 गुणा हो गया इसका मतलब, तो इसको भी मैं 9 गुणा कर दूंगा, तो 324 हमारे क्या आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह की जो स्टेटमेंट दी मिलती है, 1 लाख रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसमें से 2/5 वस्तुओं पर 5% आने पर बेच देता है, तो हमने क्या करता है, कर क्या करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ना इसको नहीं उठाना, ठीक है, हमने यहां से क्वेश्चन में उठाना है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 लाख रुपए में खरीदता है, उनमें से 2/5 वस्तुओं को 5% आने पर बेच देता है। कहने का मतलब ये है कि उसने 2/5 वस्तुएं 5% आने पर बेच दी। हम मानेंगे कि टोटल वस्तुएं उसकी 5 थी, तो जो कुल वस्तुएं है ना वो है कितनी, 5। और 2/5 वस्तुओं को 5% आने पर बेच देता है, तो बाकी बची वस्तुएं यानी जो बाकी बच गई 3 वस्तुएं किस आने पर बेचे कि उसे लास्ट में 4% आने हो जाए टोटल ओवरऑल मिला के। यानी 5 वस्तुएं हैं टोटल है, तो 4% ओवरऑल आनी होनी चाहिए। कितनी, 20% की। ठीक है, अब इस दो पे, इन 2 वस्तुओं पर कितनी होगी, 5%, यानी 10% आनी हो चुकी है। बची कितनी, 10% और होनी चाहिए आनी, पर कितनी वस्तुओं पर होनी चाहिए, बची हुई 5 में से 2 वस्तुएं घटा दो, 3 बच गई। रिमेनिंग आर्टिकल कितने हैं, इस 3 पर 10% की आनी चाहिए। अब हमने बतानी है कि बाकी बची वस्तुओं पर कितने परसेंट की, 10% की आनी 3 वस्तुओं पर होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं हम ये 10% की आनी 3 से 1/3% ये आनी उसमें होनी चाहिए। दोबारा देखो, 2/5 जो आर्टिकल है ना उस पर 5% को आने पर बेच देता है, यानी टोटल 5 थी, 2 वस्तुएं तो 5% आने पर बेच दी, ये बात भी ठीक होगी। टोटल ओवरऑल मिलाकर ने 4% की आनी होनी चाहिए उसे, यानी 5 वस्तुएं अगर कुल टोटल हैं तो उसे 4% टोटल लॉस होना चाहिए। मिला के कितना हो गया, 5 से गुणा करो, 20%। ठीक है, देखो 10% 2 वस्तुओं पर हो चुका है, 20% में से 10 गया, 10% ये होना चाहिए कितनी वस्तुओं पर, बाकी बची वस्तुओं पर। यानी 10% को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 1/3% ये बाकी बची वस्तुओं पर होना चाहिए। यानी कि जो बाकी बची वस्तुओं को किस आने पर बेचेगा, 3 से 1/3% की आने पर बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसे कुल 4% की आनी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक आदमी 3/4 वस्तुएं 24% लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं को वह क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो अंततः उसे हुए लाभ या अंततः उसे हुए प्रत्येक वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब की बार क्या पूछ रखा है, प्रत्येक वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखो 3/4 का मतलब है कि टोटल अगर कुल वस्तुएं कितनी हैं, 4, कुल 4 वस्तुएं हैं, तो उनमें से जो 3 वस्तुएं हैं ना, ये जो 3 वस्तुएं हैं इन पर कितने परसेंट लाभ हो रहा है, टोटल 24% का, यानी 72% प्रॉफिट उठा रहा है वो 3 वस्तुओं पर। और जो बाकी बच गई कितनी, 1 वस्तु, उसको क्या कर रहा है वो 0% क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, 1 रुपए की लेकर 1 रुपए की ही बेच दी, तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस, कुछ नहीं, 0 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर हुए लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। देखो टोटल 72%, 72% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 4 वस्तुओं पर, तो 1 वस्तु पर कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 8 32, तो मैं कह सकता हूं 18% प्रत्येक वस्तु पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर प्रॉफिट बताना था। ठीक है, ये 4 वस्तुओं का प्रॉफिट था 72%, 72% 4 से भाग कर दिया तो एक वस्तु पर नए प्रॉफिट पैटर्न कितना पर आ गया, आधारित अठारह क्वेश्चन मैं प्रतिशत करवाता हूं। ठीक है, उम्मीद ठीक है कर ना रहा हूं दोस्तों, देखो आपको टाइप समझ नंबर में आ रहा 10 होगा। से इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। एक आदमी एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। स्टेटमेंट देखो, यदि उसने उस वस्तु को 48 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसमें कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को,
हम मानेंगे कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो 100 रुपये है। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन पूरी करो इसकी। ये कह रहा है कि 7% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का 7% कितने में बेच दी वो चीज उसने, 107 रुपये में। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया भाई। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि 48 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी उसने 107 में बेचा है। वो कह रहा है कि उसने अगर 48 रुपये ज्यादा में बेचा होता ना तो 15% का लाभ होता, 7% की बजाय 15% का लाभ होता। अब देखो इसमें 15% लाभ में कितने में बेच देगा वो, 115 रुपये में, यानी ये भी क्या है, एसपी है। ठीक है, अब देखो 100 रुपये एसपी था, 7% लाभ में उसने कितने बेची, 107 में बेच दी कोई चीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितने ज्यादा में बेच रहा है वो। देखो यहां से निकाल लेंगे हम 8 रुपये अधिक में बेच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो 8 रुपये अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 48 रुपये के बराबर है। कितने गुना है ये, 6 गुना है। ठीक है, तो मैं क्रय मूल्य को क्या कर दूंगा, इसको भी मैं 6 गुना कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 600 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया भाई, कॉस्ट प्राइस हमारा 600 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, एक बार फिर समझो इसको, अच्छे से समझना है। देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। मैंने माना कि वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है, और इसको 7% लाभ में यहां पर बेच दिया, यानी 107 रुपये में उसने बेच दिया। दूसरी कंडीशन में कहा है कि वो 48 रुपये अधिक में बेचता ना तो उसको 15% का लाभ होता। ठीक है, पहले 7% का लाभ हो रहा था, अब उसको 15% का लाभ होता, तो यहां से मैंने 15% लाभ में बेच दिया, तो यानी 115 रुपये में बेच दिया। पहले एसपी था, सेलिंग प्राइस 107 रुपये, अब 115 रुपये, यानी कितना अधिक है, 8 रुपये अधिक में बेची, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 8 यूनिट ज्यादा में बेची है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 रुपये अधिक में बेचा, यानी 8 से 48 कितने गुना है, 6 गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो मैं सीपी जो मान रखे हमने 100, इसको भी मैं 6 से गुणा कर दूंगा ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप देखें, टाइप नंबर 11। देखो भाई टाइप नंबर 11 देखें, इसमें क्या कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने वस्तु 80 रुपये अधिक में बेची होती तो 9% लाभ होता, तो हमने बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, देखो कैसे हम मानेंगे कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है भाई। ठीक है, अब देखो 7% आने पर बेच दिया, यानी उसको कितने में बेचा उसने, 93 रुपये में, ये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखो उसने वस्तु को 80 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी 93 की बजाय और 80 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 9% का लाभ हुआ होता। ठीक है, 80 रुपये ज्यादा में, ठीक है, 9% का लाभ हो जाता। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अब देखो 9% का क्या हो जाता है, इसको लाभ हो जाता, प्रॉफिट, हम यहां इसको एल से डिनोट करेंगे, इसका मतलब है लॉस, इसका मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, अब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 109 रुपये में बेच रहा है, यानी ये भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखो पहले वो 7% आने पर 93 रुपये में बेच रहा था, अब 109 रुपये में बेच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग यानी कि कितने
कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? 16 रुपए अधिक में बेच रहा है वो वस्तु को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो 16 यूनिट की वैल्यू को हम क्या रख देंगे? 80 रुपए के बराबर रख देंगे, ठीक है। कितने गुना है ये इससे? 5 गुना है भाई। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस को भी 5 गुना कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 500 रुपये। हमारा क्या आ गया? ये सीपी आ गया भाई, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और यही हमने क्या करना था, बताना था, ठीक है। एक बार फिर देखो, एक वस्तु को एक आदमी 7% आनी पर बेचता है, हम मानेंगे क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 7% आनी पर बेच दी यानी 93 रुपये में बेच दी उसने। अगर वो 80 रुपये अधिक में बेचा होता वस्तु को तो 9% का लाभ होता, यहां से उसको 9% लाभ दे दिया यानी 109 रुपये में बेच दी, ये भी हमारा एसपी हो गया। हमारे अकॉर्डिंग उसने 16 रुपये अधिक में बेची है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे 80 रुपये अधिक में, तो इसका 5 गुना है ये, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो हमने 100 रुपये मान रखा था सीपी को, इसको भी मैं 5 गुना कर दूंगा, तो क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 देखें भाई, टाइप नंबर 12 हम क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जितने मैं ये क्वेश्चन करवाता जाऊंगा बिल्कुल लेवल को अप करता जाऊंगा, ठीक है। देखो टाइप नंबर 12, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उन्हें वह 10% कम में खरीदता और 27 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है, तो हमने बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस वस्तु का, ठीक है। देखो थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से अपडेट है ये, इसको कैसे करेंगे, देखो माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो कितना है, 100 रुपये है भाई, ठीक है। पहले कंडीशन को पूरा करो, 20% लाभ पर बेच दी भाई उसने, ठीक है। यानी यहां से हम इसको 20% लाभ पर बेचेंगे, 100 का 20% कितना है, 20 ऐड कर दो इसमें, कितना आ गया, 120 रुपये में बेची भाई वो। ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो 100 रुपये की चीज 20% लाभ में 120 रुपये में बेच दी। अगली कंडीशन देखो, 10% कम में खरीदता, पहले खरीदी 100 रुपये में, अब उसको अगर ये 10% माइनस का मतलब है मैंने 10% घटाया इसमें से, ठीक है। 10% कम में खरीदता यानी वो इसे कितने में खरीदता, 90 रुपये में, ये भी क्या आ गया, अब कॉस्ट प्राइस आ गया भाई, ठीक है। 90 रुपये यानी 10% कम में खरीदता कितने में, 90 रुपये में, तो और 27 रुपये अधिक में बेचे, पहले 120 में बेच रहा था, अब 10% कम में खरीदी 90 रुपये में, और पहले से कितने ज्यादा में, 27 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है। 30% का लाभ देखो इसमें ऐड करो, 10% कम में खरीदी और 30% लाभ उसने उठाया है, तो 90 में अगर 30% जोड़ेंगे सीधा तो कितना आ गया हमारा, 117 रुपये, ठीक है। क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, पहले वो 120 रुपये में बेच रहा था, अब 10% कम में खरीद गया, 30% प्रॉफिट उठा रहा है, वो 117 रुपये में बेच रहा है, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए कम में बेच रहा है वो, पहले से 3 रुपये कम में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि 27 रुपये कम में बेचे, पहले 120 रुपये में बेच रहा था अब 117 रुपये में बेच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 3 रुपये कम में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 रुपये कम में बेचे, तो इस 3 यूनिट के बराबर रख देंगे 27 रुपये को, यानी कितने गुना हो गया ये, 9 गुना हो गया, तो हमने क्रय मूल्य को भी क्या कर देंगे, 9 गुना कर देंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 900 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर समझे इस क्वेश्चन को,
एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपए है और वो 20% लाभ में बेच दी, 120 रुपए में बेच दी उसने। दूसरी कंडीशन, अगर वो 10% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीदी, अब 10% कम में यानी 90 रुपए में खरीदी है, तो जितनी वो पहले में बेच रहा था ना, अगर उससे 27 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ हो जाता इस पर नए क्रय मूल्य पर। यानी अब इसका 30% ऐड कर दिया, यानी अब उसका CSP क्या हो जाएगा, 117 रुपए में बेचेगा उसको। पहले 120 रुपए में बेच रहा था, अब 117 रुपए में यानी 3 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रखे हैं कि 27 रुपए कम में बेचता, यानी 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9, 9 गुणा हो गया। तो मैं कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, इसको भी मैं 9 गुणा कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाए क्या, 900 रुपए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे टाइप नंबर 13। देखो भाई टाइप नंबर 13 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, एक आदमी अपनी वस्तुएं 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। अब देखना पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टाइप है, लेकिन अब की बार जो इसने प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट और जो लॉस इसने उठाया है वो फ्रैक्शन वाले उसमें उठा लिया, 12 सही 1/2%। यानी अब हम क्रय मूल्य को अगर 100 रुपये मानेंगे तो हमें दिक्कत आएगी भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। मैंने आपको बताया था, अगर लाभ है या हानि है या कुछ भी चीज बढ़ा रहा है घटा रहा है, उसको अगर वो 10%, 30%, 40%, 50% इस तरह से पूछता है, तो हम किसी भी वस्तु को या मूल्य को हम 100 रुपये मान लेंगे, आसानी से हम निकाल पाएंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे देता है ना, ये थोड़ा सा 12 सही 1/2%, 11 सही 1/9%, तब हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे और उसका एलसीएम जो आएगा ना, उसको हम मानेंगे कि वो सीपी था। देखो कैसे, एक आदमी अपनी वस्तुएं 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है, यदि वह उन्हें 11 सही 1/9% कम में खरीदे और 220 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। अब देखें क्वेश्चन में कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको 12 सही 1/2% है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। 12 सही 1/2% क्या होता है, 1/8 है, ठीक है, प्रतिशत में मैं बता चुका हूं ये फ्रैक्शन। अब देख 11 सही 1/9% यानी 1/9, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 निमा 72, हम मानेंगे 72 रुपये है, 1 0 और लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपनी तरफ से, तो हम मानेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, 720 रुपये। देखो हम मानेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है, 720 रुपये, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इनका एलसीएम ले लिया, 8 निमा 72, 1 0 और लगा ली अपनी सुविधा अनुसार, तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस 720 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है कि अपनी वस्तुएं 12 सही 1/2% लाभ पर बेचता है। देखो अब इसने कितने लाभ पर बेचा है, 12 सही 1/2%, यानी इसका मतलब 1/8 और 8 से भाग करो, 8 निमा 72 यानी 90 रुपये, 90 रुपये बढ़ गए इसमें, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या जाएगा, 810 रुपये, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर वो वस्तु को 11 सही 1/9% कम में खरीदे, यानी इसका 11 सही 1/9% कम में खरीदे, यानी 1/9, 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये, ठीक है। 1/9 और 9 8 72 यानी 80 रुपये कम में खरीदे, अब 720 से अब 80 रुपये को घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया, 640 रुपये, ये हमारा क्या आ गया, अब ये कॉस्ट प्राइस आ गया नया वाला, ठीक है। अब देखो 720 रुपये की चीज थी, 11 से 1/9% कम में खरीद ली, 640 रुपये में खरीद ली। अब कह रहा है कि 220 रुपये अधिक में बेचे, यानी पहले वो 810 रुपये में बेच रहा है, अब कितने ज्यादा में, 220 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है, यानी 30% का लाभ, देखो कितने में बेचेगा, वो 30% का लाभ उठाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा दोस्तों 192 रुपये। ठीक है, अब 640 रुपये में 192 जोड़ो, कितना आ गया 832 रुपये। ठीक है, यानी 640 रुपये में 30% का लाभ लेके, यानी वो 832 रुपये में अब चीज को बेचेगा, ये है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो हमारे अकॉर्डिंग 810 रुपये में पहले बेच रहा था, अब 832 रुपये में वो बेच रहा है, यानी कितने ज्यादा 22 रुपये ज्यादा में बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 220 रुपये अधिक में बेचता, यानी 22 यूनिट को वैल्यू को हम क्या करेंगे, 220 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो कितने गुना आ गया, 10 गुना आ गया हमारा ये। ठीक है, वहां 10 गुना किया है तो इसको भी मैं सीपी को क्या, ये तो निकालना था हमने, इसको भी मैं 10 गुना कर देता हूं, तो हमारा क्या आ गया 7200 रुपये, ये आ गया हमारा कोस्ट प्राइस, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर समझो, एक आदमी अपनी वस्तुएं 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है, यदि उन्हें 11 से 1/9% कम में खरीदता और इतने रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे सबसे पहले, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद इनका एलसीएम ले लेंगे 8 × 72। अपनी सुविधा अनुसार मैंने 1 जीरो और लगा ली ताकि आगे काटेंगे ना तो आसानी हो जाएगी उसमें। ठीक है, अब देखो 720 रुपये हमने मान लिया सीपी है, और 12 से 1/2% लाभ पर बेच दी, यानी 90 रुपये लाभ उठाया उसने, 810 रुपये में बेची, 11 से 1/9% कम में खरीदता, यानी 80 रुपये कम इससे घटा दिया, 640 रुपये में खरीदता तो उसे 30% का लाभ हो जाता, ये आ गया 30% का लाभ मैंने इसमें जोड़ दिया, और 220 रुपये अधिक में बेचता, यानी पहले 810 रुपये में बेच रहा था, अब 832 रुपये में बेच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 22 रुपये ज्यादा में बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 220 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है, तो मैंने वहां क्या कर दिया, 22 के बराबर रख दिया 220 को, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, इस 220 को 22 से भाग दे के देख लिया करो, पता चल जाएगा कितने गुना। अब जिसको भी निकालना है उसको 10 गुना कर देंगे, यहां से हमने क्या निकालना था सीपी, इसको मैंने 10 गुना बढ़ा दिया, तो हमारा 7200 क्या आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 14। देखो भाई टाइप नंबर 14 देखें, स्टेटमेंट क्या कर रखी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 11 वस्तुएं 1 रुपए की दर से खरीदता है, तो हमने ज्ञात करना है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, 11 वस्तु 1 रुपए में खरीदी है तो कितने वस्तुएं बेचेगा वो 1 रुपए में कि उसे 10% का लाभ हो जाए, इसको हम दो कंसेप्ट से करेंगे। देखो पहला तरीका, देखो देखो फर्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि 11 वस्तु जो खरीदी है ना उसने, वो खरीदी है 1 रुपए की, तो मैं कह सकता हूं कि 1 वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी, 1/11 रुपए में, यहां तक ठीक है। तो 1 वस्तु का मूल्य आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य है 1/11, तो मैं कह सकता हूं कि ये कॉस्ट प्राइस है हमारा। अब देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। अगर 10% लाभ लेके वो चीज बेचनी है ना, तो मैं सीधा सीधा वस्तु को 110% कर दूंगा, तो मेरा सीधा सीधा 10% का उसमें लाभ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 1/11, और 10% का लाभ लेके हमने बेचनी है तो सीधा 110/100, 11 से 11 कैंसिल, तो 1/10 ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों, 1/10 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। इसका मतलब क्या है, देखो 1 रुपए में 10 वस्तुएं उसने क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर उसे 10% का लाभ होगा, तो हमारा आंसर 10 वस्तु ये आएगा हमारा, 1 रुपए में उसने 10 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तब हमारा 10% का लाभ आ जाएगा। अब देखो
जरूरी तो नहीं है कि ना वो 1 रुपए में ही पूछे, वो 5 रुपए में पूछ लेता तो 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों यहां पर 1 रुपए में 10 वस्तु बेची है उसने, तो यहां पर 1 रुपए हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम क्या कर देते, अगर क्वेश्चन में 5 रुपए में पूछ रखा होता तो 1 रुपए को हम 5 के बराबर रख देते, तो कितने गुना हो जाता, वो 5 गुना हो जाता। तो वस्तुओं को भी मैं क्या कर देता, 5 गुना कर देता, यानी 50 हमारा फिर आंसर आ जाता। वस्तुओं की संख्या कितनी आती फिर, 50, यानी 5 रुपए में 50 वस्तु उसको बेचनी पड़ती, तब उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, एक तरीका तो हो गया भाई ये। अब देखो दूसरा तरीका, ये है हमारा सेकंड कंसेप्ट। ठीक है, देखो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो तो हमारा 1/11 है। अब हमने क्या करना है, 10% का लाभ लेना है किसी वस्तु पर। देखो 10% का अगर मैं प्रॉफिट लूंगा तो 1/10, ये हमारा क्या होएगा, क्रय मूल्य, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 रुपये। इसमें कोई शक, 10% का मतलब है प्रॉफिट का मतलब है ये सीपी है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, और हानि हमेशा किस पे होती है, सीपी पर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 11 रुपये। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी कितना है, 1/11, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू मैं 1/11 के बराबर रखूंगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में नीचे 10 करना पड़ेगा गुणा में, और हमने निकालना क्या है 11, 11 सेलिंग प्राइस निकालना ना, तो ऊपर हम 11 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो अब ऊपर कर देंगे 11। अब देखो इसे 11 से 11 कैंसिल, तो 1/10, यहां भी 1/10 आया था, सेम आंसर आया हमारा। देखो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में उसने कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 10 वस्तुएं उसने बेचनी पड़ेगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, मैं फिर बता दूं आपको, अगर वो 5 रुपए में पूछता ना, तो यहां पर 1 रुपए की वैल्यू हम 5 के बराबर रखते, यानी 5 गुना, तो वस्तुओं को भी क्या कर देते, 5 गुना, तो हमारा क्या जाता है यहां पर 50। बहुत ही अच्छा ठीक क्वेश्चन है। है, देखो एक व्यक्ति 45 वस्तुएं 40 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो ज्ञात करें कि 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, इसमें कह रहा है कि 45 वस्तुएं उसने बेची हैं कितने रुपए में, 40 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए में बेची होगी, 40/45, इसको मैं काटूंगा तो कितना, 5, ये 8 पे गया, ये 9 पे, यानी 8/9, ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट, सॉरी एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 8/9। अब देखो मैंने क्या बताया था, 20% अगर आने उठाता है कोई आर्टिकल बेचा है उसने, तो इसका मतलब उसकी कीमत ज्यादा रही होगी, पर कोई भी आइटम, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो दोस्तों अगर 20% की वो लॉस उठा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा सीधा 100/80 से गुणा कर दूंगा, यानी उसको ज्यादा लेके आना है। तो मैंने कैसे करवाया था क्वेश्चन को, देखो दो कंडीशन होती हैं, 20% अगर लॉस हो रहा है ना उसना उसको, तो 80/100 या 100/80 से मैं गुणा करता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ज्यादा लेके आना है, क्योंकि अमाउंट क्या थी, ज्यादा थी, उसका क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, तो मैं 100/80 से गुणा करूंगा। देखो 8/9 है, इसको मैं सीधा गुणा कर दूंगा किससे, 100/80 से, 0 से 0, 8 से 8, तो मैं कह सकता हूं कि 10/9 हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया वस्तु का सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, एक वस्तु 10/9 रुपए की। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब देखो कॉस्ट प्राइस का हमें पता चल गया कितना है, 10/9 है कॉस्ट प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, सीधा इसको 120% लाभ लेना है ना, 20% लाभ लेना, तो मैं सीधा क्या करूंगा, 120/100 या 100/120 से गुणा कर दूंगा। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, 20% प्रॉफिट उठाना है, तो ज्यादा में बेचेंगे तो 120 बटा 100, तो यहां से सीधा मैं क्या कर दूंगा, 120 बटा 100 और 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3 बटा 4, ये अब उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। देखो इसका मतलब क्या है कि उसने 4 रुपए में वो तीन वस्तु बेचेगा भाई, यहां तक ठीक है, समझ में आया होगा। देखो 4 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, तीन वस्तुएं, और लेकिन कंडीशन क्या आएगी, वो कह रहा है कि 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा वो, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 रुपए हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपए में, तो 6 गुना हो गया, तो इसको वस्तुओं को भी मैं क्या कर दूंगा, 6 गुना कर दूंगा, 6 × 3 = 18 वस्तुएं बेचेगा वो, ठीक है। तो मेरा आंसर रहेगा भाई 18 वस्तुएं, ठीक है। देखो 4 रुपए में तीन वस्तुएं बेचता है वो अब, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 24 में कितनी बेचेगा, तो इसको देख लो 6 गुना है ये, इसको भी 6 गुना कर दिया तो 18 18 वस्तुएं आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो हमने एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने थोड़ा सा लेंथी तरीके से नहीं करना, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे हम। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, सीधा पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो इसको बिल्कुल कम समय में हम कैसे करेंगे वो देखो, इसका एक फॉर्मूला है, सीधा सीधा आपने याद रखना है एग्जाम में, नंबर ऑफ आर्टिकल अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू अमाउंट, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, ये रहे 45 अपॉन कितने रुपए में, 40 रुपए में सेल किया है उसको, अपॉन 40 इनटू 20% क्या है उसने लॉस हुआ है, तो यहां 20% लॉस रखेंगे तो 100 से 20 गया 80 अपॉन 24 रुपए में, तो गुणा में ऊपर क्या करते थे अमाउंट के लिए 24, और नीचे यहां पर क्या करना है 20% का उसे लाभ चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे सीधा 100 में 20 जोड़ो, कितना आ गया 120। तो अब इसको काट देंगे, देखो 40 से गया 2 पर, 12 × 2 = 24 और ये 10 पर, 5 से 5 = 45 और 5 × 2 = 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो 9 × 18, अब ये आ गया 18 वस्तु बेचेगा। देखो 24 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी उसे, 18 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तब उसको कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। हम इस फार्मूले से निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सीधा सीधा बात है, नंबर ऑफ आर्टिकल बटे एसपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू अमाउंट है जो दे रखा स्टेटमेंट में, इसको पुट करना है तो आपका सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए इस टाइप का, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 32 वस्तुएं 1 रुपए में बेचकर 40% की हानि उठाता है, तो ज्ञात करें कि 20% प्रॉफिट उठाने के लिए 2 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, एक बार फिर देख लें, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ आर्टिकल अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू अमाउंट, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है, मैंने बता भी दिया था। अब देखो 32 वस्तुएं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 32, कितने में बेचा 1 रुपए में, कितने परसेंट आनी हुई 40% की, 100 में से 40 गया कितना आ गया 60 अपॉन, याद करें कि वह 20% लाभ, तो यहां से क्या करेंगे 100 + 20 कितना 120, 20% प्रॉफिट भी दे दिया, तो 2 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, तो अमाउंट कितनी हमारी 2 रुपए। इसको हम काटेंगे तो देखो 0 से 0, 6 से 6 × 12 और 2 से 2, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 32 वस्तु 2 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तब उसको क्या होगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फार्मूला बता दिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा फार्मूला रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस, 100 में से जितना लॉस हुआ है वो माइनस कर देंगे, 100 में प्रॉफिट कितना लेना है उसने वो कर देंगे, और जितने भी अमाउंट दे रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा कितना आंसर आया, 32 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी उसे ₹2 में, ठीक है। और इसको जो ट्रेडिशनल तरीके से हम करते आए हैं वो मैंने पहले क्वेश्चन में करवा के दिखा दिया है, अब हम इसको सीधा शॉर्ट तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो टाइप नंबर 17। देखो बच्चों टाइप नंबर 17, देखो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सीधा सीजीएल में पूछा जाता है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। एक बार इसको जेन्युइन तरीका क्या है करने का वो भी मैं सिखा देता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल आसानी से कैसे करेंगे एक फार्मूला बताऊंगा, उससे भी आप कर सकते हो। और हमने करना ही ये फार्मूले से है, इस तरीके से करना भी नहीं है, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा। और देखो एक व्यक्ति 25% लाभ पर वस्तु बेचता है, ठीक है। यदि अब वह उन्हें ₹950 कम में खरीदे, ठीक है, और ₹950 कम में ही बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता है, यानी जो पहले उसको 25% का लाभ होता था अब 5% अधिक का लाभ हो जाता है, यानी अब उसे 30% कम का लाभ होता है अगर वस्तु को 250 में कम खरीदे और कम में ही बेचे तो। अब देखो कैसे करेंगे, 25% का क्या मतलब है, 1/4, यानी वस्तु का क्रय मूल्य ₹4 है तो ₹1 का प्रॉफिट उठा रहा है तो बेचेगा कितने में, वो ₹5 में हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो 4x ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो गया वस्तु का 5x, ये हम मान लेंगे भाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन सीपी हो गया एसपी हो गया, 4x सीपी 5x एसपी। अब वह उन्हें ₹950 कम में खरीदे, यानी इसमें से अगर ₹950 कम में खरीदा और ₹950 कम में ही बेचे तो ये सेलिंग प्राइस था, ₹950 माइनस कर देंगे तो बराबर है कितने परसेंट अधिक लाभ होता है, 25% अधिक लाभ होता है, यानी अगर 25% प्रॉफिट पहले ले रहा 5% अधिक का तो अब कितना हो गया, 30% प्रॉफिट हो गया। और 30% को मैं लिख सकता हूं 3/10, यानी अगर ये सीपी है तो ये प्रॉफिट है, अब कितने में बेचेगा वो, ₹13 में, ये हो गया एसपी। नई कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 हमारा सीपी है और ₹13 हमारा एसपी हो गया, ठीक है, इसको नोट करें। अब देखो किसके बराबर रखेंगे, 10 सीपी और 13 एसपी के बराबर इसको रख देंगे, यहां तक ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 13 को ऊपर गुणा 10 को नीचे गुणा, ठीक है, करो 13 से गुणा किया कितना आया, 52x माइनस 12,350 इज इक्वल टू 10x, 10x माइनस 95,950, 10x को इधर ले आए, सॉरी यहाँ ये 10×50 आएगा, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होएगा, यहाँ रह जाएगा 52x माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 9500 प्लस, ये माइनस का था इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना आ गया 12,350, ठीक है। यहां से क्या आया हमारे पास, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2850, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ₹1425, x की कितनी वैल्यू आ गई 1425। हमने क्या बताना था, सीपी बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 4x है ये रहा, तो 4 को 4x है, इसमें x की वैल्यू ये पुट कर देंगे 1425, कितना आ जाएगा 4×1425, ये हमारा आ गया 5700
रुपए। ठीक है, हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हमने बताना था कितना आ गया, 5700 रुपए। ये बताना है एक बार आपको, जरूरी था। अब आपने क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो मैं इसका एक तरीका बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है, उससे रखते ही वैल्यू कैसे आएगी, आंसर आ जाएगा आपका सीधा। इस तरीके से करना है अपना, जो मैं अब बताऊंगा आपको, देखो कैसे। देखो इसको शॉर्ट फार्मूले से कैसे करेंगे हम, यहां से उठाओ क्वेश्चन को। 25% प्रॉफिट उठाया उसने, यहां लिखो 25%। बिल्कुल ध्यान से देखना फार्मूला, प्लस 5% अधिक यहां से उठाया है उसने लाभ, तो मैं यहां क्या करूंगा, 5% इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। अपॉन 5% जो अधिक है उसको एक बार नीचे भी लिख देंगे, यहां तक ठीक है। 25% प्रॉफिट लिया था, 5% अधिक लाभ लिया था, और नीचे 5% ये अधिक मैंने लिख दिया, फॉर्मूला बन गया हमारा। अब देखो गुणा में क्या करना है, जो अमाउंट वो कम या ज्यादा में कर रहा है, जैसे 950 रुपये कम में खरीदी है और 950 रुपये कम में ही उसने बेच दी है, तो मैं सीधा यहां गुणा में क्या कर दूंगा, 950। अब मेरा आंसर देखो सीधा सीधा आएगा, देखो 25 और 5 कितना है, 30%। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 5 से गया ये 6 पर, और 6 को इससे गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 5700 रुपये। ये मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा आ गया, ठीक है। ऐसे करना हमने, ये क्या था बिल्कुल, इसको मैं कह सकता हूं शॉर्ट मेथड, ये हमने याद रखना है सीधा सीधा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखें, एक बात मैं और नोट करवा देता हूं आपको, जब वो है अमाउंट जो है ना 950 रुपये कम, और 950 रुपये कम में ही बेचे, तब ये फार्मूला हमारा काम करेगा, ठीक है। 950 रुपये कम में वो खरीद रहा है और 950 रुपये कम में ही वो बेच रहा है, तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन एक और करवाता हूं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, सीधा मैं इस फॉर्मूले से ही करवाऊंगा उसको, ठीक है। देखो देखो भाई, टाइप नंबर 18 देखो, सेम है क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह उन्हें 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में ही बेच दे, तो उसे 10% अधिक का लाभ हो जाता है, ठीक है। 10% अधिक का लाभ हो जाता है, तो हमने बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट मेथड क्या है इसका, देखो 30% लाभ यहां लिखेंगे, प्लस जो उसे अधिक लाभ हो रहा है पहले से वो 10% यहां लिखेंगे, अपॉन 10% अधिक लाभ, और गुणा में जो अमाउंट कम कर रहे हैं वो, या ज्यादा कर रहे हैं, 600 रुपये कम में खरीदी और कम में बेचते, वो गुणा में कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या आ गया, 30 और 10 कितना हो गया, 40%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल और 0 से 0 कर कैंसल, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 4 6 2400 रुपये हमारा ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे हमने बिल्कुल अच्छे उससे निकालना है शॉर्ट ट्रिक से, ये मैंने फार्मूला बता दिया। 30% वस्तु पर लाभ ले रहा था तो 30%, 10% अतिरिक्त तो वो यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे, 10% जो है अधिक ले रहा है लाभ वो, और गुणा में जो अमाउंट कम या ज्यादा हो रही है वो गुणा में कर देंगे, सीधा हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, 2400 रुपये उसका क्या है, सीपी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 19। देखो बच्चों, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो हमने पीछे क्वेश्चन करवाया ना उससे थोड़ा सा अपडेट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, 40% आने पर कोई वस्तु उसने बेच दी, अब वो कह रहा है 50 रुपये अधिक में खरीदता और 50 रुपये अधिक में ही बेचता, तो उसे
तैतीस सही, 1/3% की हानि होती, टोटल हानि कितनी होती है, 33 सही, 1/3% की। यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यहां पर उसे अतिरिक्त 5%, जैसे यहां पर 25% का लाभ था ना, तो यहां पर 5% अधिक लाभ लेता, और हम क्या करते थे, अधिक लेने के बाद उसको जोड़ते थे 30%। अब की बारी यहां पर टोटल दे दिया 30, 33 सही 1/3%। अब हमने कितनी अधिक हानि हुई है वो हम यहां से निकाल लेंगे, बस इसमें ये ट्रिक है। अब देखो कैसे निकालेंगे उसको, क्वेश्चन को। अब देखो यहां देखो, 40% है हमारा लॉस है। अब उसको टोटल लॉस कितना हो रहा है, 33 सही 1/3% का लॉस हो रहा है उसने। 33 99 और 100/3% लिख सकते हैं ना इसको, तो मैं यहां से इसमें से माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस करूंगा कितना, 33 से 1/3% है ना, इसको मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं 100/3 लिख लेता हूं। यहां पे आ गया 100/3/1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 3, ये 120 माइनस 3 से करेंगे तो 100, तो कितना आ गया 20/3%, 3 से भाग देंगे तो 3 6 18 और 2/3। अब ये हो जाता है उसको, पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर दिया गया था कि उसे कितनी लाभ हो रहा था एक्स्ट्रा 5% का, तो इस क्वेश्चन में 40% हानि होती है और 50 रुपये अधिक में खरीदता है और 50 रुपये अधिक में ही उसको बेच देता है, तो उसको कितनी एक्स्ट्रा हानि हुई है, वो 6 से 2/3% की हानि हुई है, और फॉर्मूले में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। देखो कैसे 40% हानि होगी और जो एक्स्ट्रा हुई है हमारी है कितनी हुई है, 6 से 2/3%, और अपॉन में मैं क्या लिखता था यहां पर, 6 से 2/3% और गुणा में जो अमाउंट कम या ज्यादा हुई है यानी 50 रुपये, ये यहां लिख दिया। अब देखो 40 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 33 सही 1/3%। ठीक है, और नीचे क्या आ गया हमारा, 6 सही 2/3% और गुणा में 50। अब देखो 33 3 99 और 100/3 यहां लिख लेते हैं, 100/3 और पूरे के अपॉन में यहां आएगा कितना, 6 3 18 और 2 20/3 और गुणा में 50। यहां तक ठीक है। अब देखो 100/3 और पूरे के अपॉन में कितना, 20/3, तो हम क्या करेंगे, इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं और 0 को 0 से और 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 10, तो मैं कह सकता हूं कितना आ गया आंसर, 250 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा कोई ऐसा मैटर नहीं है, सिंपल सी बात है, 33 से 1/3% की हानि हुई है, टोटल में से हम घटा लेंगे, 40 में से ये घटा के पता चल जाएगा एक्स्ट्रा उसे कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, वो हमें हो रहा है 6 से 2/3% का। बस हमें ये चाहिए था फार्मूले में, इसको पुट कर देंगे और बिल्कुल, थोड़ा सा बस ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, इसको आसानी से हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था और हमारा कितना आया आंसर, 250 रुपये पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो टाइप नंबर 20, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 66 वस्तुएं बेचकर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि वहन करता है, तो उसे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमने। ठीक है, इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है कि 66 वस्तुएं, 66 ये हमारा एसपी है भाई। ठीक है, और ये क्या है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ये हमारा लॉस हुआ है उसने। ठीक है, और ये क्या है हमारा एसपी है। हम मानेंगे कि एक वस्तु का मूल्य है 1 रुपये है, तो हम मान लेंगे कि वो 66 रुपये में बेची है और 66 रुपये, 6 रुपये के बराबर उसे हानि हुई है। ठीक है, तो मैं यहां से सीपी निकाल लूंगा, क्योंकि हमने पता है कि हानि प्रतिशत है और लाभ प्रतिशत है हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा हमारा, देखो 66 रुपये में कोई चीज बेची और उसे 6 रुपये का लॉस हो गया, इसका मतलब वो चीज ज्यादा रुपए की थी
यानी कितने की थी, 72 रुपए की थी वो चीज, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो 6 रुपए की आनी हुई है कितने रुपए पर, 72 रुपए पर, ये हमारा क्या है, सीपी है भाई, ठीक है। अब इसे करो कितना आ गया, 1/12, ठीक है। 1/12 को प्रतिशत में कैसे लिखते थे, 8 सही 1/3%, ये हमारा क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है। हम मान लेंगे ये 66 जो एसपी है ना वस्तुओं का, एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, वो 66 रुपए की चीज थी, 6 रुपए का उसने लॉस उठाया, यानी वो चीज 72 रुपए की थी, तो यहां से 6 का लॉस हो रहा है 6 रुपए का, 72 रुपए पर। सीपी पर कैलकुलेट करते हैं हम, तो 1/12, और मैं परसेंटेज में ये निकाल के दिखा चुका हूं, इसका प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 8 से 1/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 वस्तुएं बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो लाभ की प्रतिशतता हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। कितने प्रतिशत उसे लाभ हुआ, देखो इसमें जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है, 40, और जो उसने प्रॉफिट लिया है वो कितना लिया है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया था, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये हम मान लेंगे, ठीक है। 40 रुपये में बेची है और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया है, 4 रुपये का लाभ ले लिया, तो मैं यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आ जाएगा, देखो 40 रुपये में कोई चीज बेची और 4 रुपये का अगर उसने लाभ लिया है, तो मैं क्या निकाल लूंगा यहां से, 40 माइनस 4, यानी उसका जो प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस, वो क्या था, 36 रुपये था भाई, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हमने बताना है, प्रॉफिट, और मैंने बताया था कि किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपये का, और किस पर, 36 रुपये पर, तो इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 निमा 36, 1/9 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, तो ये क्या आ गया, 11 सही 1/9%, ये क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट, ठीक है। तो उसे कितना लाभ हुआ है, 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, ये पहले से थोड़ा अपडेट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर आनी उठाता है, तो हमने बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया था, 66 वस्तुएं बेचकर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुई थी, आनी हुई थी, ठीक है। अब की बार क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कि उसे क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। इसको हम कैसे करेंगे, लॉस हम कैसे निकालते हैं, देखो लॉस निकालने का मैंने बताया था कि आपको आनी कब होती है, जब कोई चीज खरीदी गई जिस मूल्य पर खरीदी गई, मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और वो 80 रुपए में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है इसमें, ठीक है, तब हमें क्या होता है, लॉस, समझे, सेलिंग प्राइस वो कम रुपए में बेच रहा है अब की बार, ठीक है। अब यहां से क्या आ गया हमारा, ये लॉस आ गया। अब इसमें रख देंगे वैल्यू 33 मीटर, यानी 33 CP = 11 CP, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर ये आनी उठाई है उसने, और आनी कैसे आती है, जब सीपी में से एसपी मान लेते हैं, हम घटा देते हैं, तो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, तो 33 को ही हम सीपी मानेंगे, 33 को ही हम एसपी मान लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखो 11 सीपी को इधर ले आएंगे और 33 एसपी को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 33 सीपी से 11 सीपी कैंसिल करेंगे इज इक्वल टू 33 एसपी, यहां तक ठीक है। इसमें से हमने घटा दिया तो कितना आ गया, माइनस करने के बाद 22 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी, यहां तक ठीक है। अब देखो सीपी को यहां रखेंगे, एसपी को नीचे ले आएंगे,
तो हमारा क्या जाएगा 33/22, 11 से कैंसिल करेंगे इसे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी 3/2। यहां तक ठीक है। अब देखो सीपी के सामने वाला सीपी मानेंगे, एसपी के सामने वाला एसपी मानेंगे, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 3 रुपये है तो उसने बेच दी कितने रुपए में, 2 रुपए में। ठीक है, देखो 3 रुपए की चीज है उसने 2 रुपए में बेची है तो 1 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है उसे। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 3, और इसको गुणा में 100 करके प्रतिशत में लाएंगे तो क्या होता है, इसका मतलब 33 सही 1/3% लॉस हुआ है भाई। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा देखो सीपी से जब हम एसपी माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा, तो 33 इसको सीपी मानेंगे, 33 एसपी मानेंगे, माइनस करके 11 सीपी के बराबर बराबर क्या होता है, ला आनी होती है उसे। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो हमने सोल्व कर लिया, सीपी आ गया हमारा 3, एसपी आ गया हमारा 2। ठीक है, 1 रुपए की आनी हुई है 3 रुपए पर। ठीक है, ये हमारा सीपी है 3 रुपए। ठीक है, इस पर हम निकालेंगे तो लाभ हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, गुणा में 100 करके 33 से 1/3% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमने बताना है उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है, कितना प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है और कितने परसेंट की उसे हानि हुई है, ये हमने बताना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट में दिया गया है ना उसको उसके बराबर रख देंगे। देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब मैंने क्या बताया था, सीपी को मैं यही रखता हूं, एसपी को मैं नीचे ले आता हूं, तो यहां आ गया एसपी इज इक्वल टू 10/12। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, यानी 5/6। यह तक ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एसपी के जो सामने है ना वो तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सीपी के सामने वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में बताना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखो 5 रुपए की चीज है उसने 6 रुपए में वो बेच दी, यानी कि उसे 1 रुपए का लाभ हुआ है, और लाभ और हानि में कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, ये है 5, तो 1/5 को प्रतिशत में लेके आएंगे तो गुणा में 100, और कितना आ गया हमारा 20% उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है भाई। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 का सीपी इज इक्वल टू 10 का एसपी के बराबर है, तो सीपी यहां रखेंगे, एसपी को नीचे ले आएंगे, 10 यही की रह जाएगा यहाँ का यहाँ, और 12 को नीचे ले आएंगे, तो काटने के बाद हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, 1 रुपए का लाभ उठा रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर, बटे 5 गुणा में 100, 20% का क्या हो गया उसे, लाभ हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमने बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है और कितने प्रतिशत की हुई है। देखो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 9 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, या सीपी को यही रखता हूं, एसपी को मैं नीचे ले आता हूं, इज इक्वल टू 12/9। ठीक है, काटेंगे इसे, कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि 4/3। ठीक है, सेलिंग प्राइस वस्तु का है 3 रुपये, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये, 4 रुपये की चीज है 3 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का हानि हुई है उसे 4 रुपये पर, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, 1 रुपए की हानि हुई है, कितने परसेंट है 1/4, ये हमारा 25% उसे क्या हुई है, हानि हुई है भाई।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो जाए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सेलिंग प्राइस बराबर रहता है हमारा, बस सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे। कैसे, देखो यहां पर क्या है, 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने। इसका मतलब होता है 1/10, 10 रुपये। ये क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस, ये आ गया हमारी छूट, यानी बेची कितने में, 9 रुपये में। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, तो ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। देखो 10 रुपये क्या है, मार्क प्राइस है, यहाँ लिखेंगे कितने में बेची है वो, 9 रुपये में, तो यहाँ लिखेंगे। अब दूसरी कंडीशन, 30% का लाभ हो जाए, तो 30% को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3/10। अब ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर, और 3 रुपये क्या है, ये हमारा लाभ है। तो 10 रुपये की चीज 3 रुपये का लाभ उठा के कितने में बेचेगा, 13 रुपये में। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो 13 रुपये, दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस 13 रुपये है और कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपये है। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, हमने क्या होता है करना होता है, सेलिंग प्राइस को बराबर करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यहां मैं 13 से गुणा कर दूंगा, यहां मैं 9 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ 13 से किया है गुणा, तो यहाँ भी मैं 13 से गुणा करूंगा। अगर मैंने 9 यहाँ किया है, तो कॉस्ट प्राइस को भी मैं 9 से गुणा करूंगा। ठीक है, अब देखो 90 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है, 117 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है, और यहां से हमारा 130 रुपये क्या आ गया, मार्क प्राइस। ठीक है, तो कितना ज्यादा उसे अंकित करना पड़ेगा, 90 रुपये की चीज 130 रुपये लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, यानी 40 रुपये ज्यादा किससे, 90 से। तो 4/9 × 100, ये मेरा आ गया 44, सही, 4/9% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं और भी छोटा कर दूं शॉर्ट में, तो कैसे करेंगे, देखो 10% की छूट दे दी, 10% डिस्काउंट, यानी अब 90 रुपये की होगी, वो क्या है, ये हमारा, ये हमारा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% की छूट और उसके बाद 30% का लाभ, यानी 30% का लाभ सीधा मैं यहां पर 130 कर दूंगा, ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, 90 रुपये की चीज है, 130 रुपये उस पर अंकित करना पड़ेगा, 40 रुपये ज्यादा 90 रुपये पर, और ये 4/9 क्या आता है, गुणा में 100, ये आ गया मेरा 44, सही, 4/9%। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा हम इस तरीके से करेंगे, ये शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इस तरह के क्वेश्चन में बराबर करना होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मैंने बराबर कर दिया, कितना आ गया, 117, और कॉस्ट प्राइस था 90, और मार्क प्राइस क्या आ गया, 130 रुपये। ठीक है, 40 रुपये ज्यादा अंकित करना पड़ेगा 90 रुपये पर, तो कितना, 4/9 इसका प्रतिशत में कर दिया, तो क्या आ गया, 44 से 4/9%। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, ये आता है हमारा सीजीएल में सीधा सीधा। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखिए। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी उसे क्या हो, 10% का लाभ हो जाए। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, हम एसपी को बराबर करते हैं, अब उस तरीके से नहीं करेंगे, सीधा शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। देखो 20% की छूट दे दी, यानी 100 में से 20 घटाओ, कितना बच गया, 80 रुपये, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। 10% का लाभ हो जाए, तो 10% का लाभ, तो सीधा मैं यहां पर 110 लिख देता हूं, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, 20% की छूट है और 10% का लाभ लिया है, तो सीधा मैंने यहां पर 110 एमपी कर दिया मार्क प्राइस। अब देखो 80 रुपये की चीज है,
110 रुपये उस पर अंकित करना पड़ेगा। कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा उसे? 30 रुपये ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। अगर 3/8 को मैं प्रतिशत में लिखूं तो गुणा में 100, 37 सही 1/2% ज्यादा अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब उसे 20% की छूट देने के बाद भी 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9600 रुपए में बेच देता है भाई, और उसे 20% छूट देते हुए 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का हमने मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 20% का उसने डिस्काउंट दिया है, तो 20% को मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, तो 20/100, तो 1 और ये 20 5 100, यानी 1/5। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यानी 5 रुपये मेरा क्या है? मार्क प्राइस है, और ये 1 रुपये की छूट यानी डिस्काउंट दिया है, तब वस्तु उसने कितने रुपए में बेचा है? 4 रुपए में बेचा है, ये उसका सेलिंग प्राइस है भाई। यहां तक ठीक है? ठीक है, अब देखो 5 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट देकर 4 रुपए में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 9600 रुपए में बेची है वो। ठीक है, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 9600 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2400 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2400। और हमने कितना निकालना है? इसकी वैल्यू निकाली थी, मार्क प्राइस हमने ज्ञात करना था, इसको भी मैं क्या कर दूंगा? 2400 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा क्या आ गया? 0 0 0, 5 और 10 और 2 12, 12,000 रुपये क्या आ गया हमारा? मार्क प्राइस। ये वस्तु का क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होगा? देखो, बहत्तर रुपए में कोई चीज बेच दी, 5 10% का उसे क्या हुआ? हानि हुई है। 10% हानि का मतलब क्या बताया था मैंने? 90/100 या 100/90 से हम गुणा करेंगे। अब देखो इसको गुणा किससे करना है वो पता चलेगा। देखो 72 रुपए में कोई चीज हमने सेल की है, तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य क्या था? ज्यादा था उस वस्तु का, और ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा? 100/90 से गुणा कर दूंगा, तो गुणा में 100/90, ये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब ठीक है, अब देखो 5% लाभ कमाना है, तो दूसरी कंडीशन में 5% लाभ कमाना है, हमारे पास फिर दो कंडीशन होगी। अब लाभ कमाना है तो इसका मतलब उसको ज्यादा में बेचना पड़ेगा, और ज्यादा में बेचना है तो किससे गुणा करूंगा मैं? सीधा 105, यानी वस्तु को 105% बढ़ा दूंगा, सीधा 105/100। अब देखो सीधा हमारा क्या जाएगा, किस कीमत पर बेचना होगा, तो हम बता देंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा सीधा। देखो 100 से 100 कैंसल, 9 से ये 9 8 72, ये 10 पर, ये 2 चौका 8, ये 2 5 10, 5 से ये 5 2 10, 5 एकम 5, और 21 चौका 84 रुपये। यानी वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचना होगा? 5% का लाभ कमाने के लिए 84 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, शॉर्ट फार्मूला था, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि हो रही थी, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य ज्यादा था, तो ज्यादा के लिए मैंने क्या कर दिया? 100/90 से गुणा कर दिया सीधा। अब देखो 5% का लाभ कमाना है, तो हम उसको ज्यादा में बेचेंगे, तो सीधा गुणा में 105% बढ़ा देंगे उसको, सीधा 105/100, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या जाएगा? देखिए 29 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपये है, इस पर 25% छूट प्रदान की जाती है, तथा साथ में 1.5 रुपये मूल्य का एक पेन फ्री में दिया जाता है,
तथा दुकानदार को अब भी 20% का लाभ हो जाता है, तो हमने बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपए है। ये हमारा क्या है? मार्क प्राइस है। इस पर 25%, 25% की छूट प्रदान कर दी, यानी इसका 25% अगर मैं निकालूं तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 सत 28 और 4 पंजे 20, कितना हो गया? 7.5 रुपए। ठीक है, अब देखो ये आ गया, वो 7.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने। ठीक है, देखो 7.5 रुपए का डिस्काउंट तो दिया ही दिया है, साथ में 1.5 रुपए मूल्य का एक पेन भी फ्री में साथ में दिया है, तो इसका मतलब इसमें से 1.5 रुपया भी घटाया जाएगा। देखो टोटल अगर 30 रुपए उसका मार्क प्राइस था, इसमें से 7.5 रुपए का तो एक पेन दे दिया, सॉरी 7.5% की तो छूट दे दी। अब देखो 1.5 रुपए का वो पेन है, वो भी उसने क्या करा है? फ्री में दिया है, तो हम ये भी इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा निकल के? 30 से ये अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ गया 21 रुपये। ये क्या है दोस्तों? ये सेलिंग प्राइस आया है। ठीक है, यानी इतने रुपए की मार्क, 30 रुपए का मार्क प्राइस था वस्तु का, उस पर 25% छूट दे दी, 1.5 रुपए का पेन फ्री में दे दिया, और ये मैंने माइनस कर दिया तो 21 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि अब भी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 20% कम कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। देखो 21 में से क्या करेंगे, 20% की कंडीशन क्या होती थी? यहां देखो 20% लाभ हो जाता है, यानी 120/100 या 100/120 में करता था। अब देखो साधारण सी बात है कि 20% लाभ हुआ है, तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कम था, तब अब जाके लाभ हुआ है उसने, तो देखो हम इससे गुणा कर देंगे, सॉरी कम लेके आना है हमने, तो 100/120 से गुणा कर देंगे सीधा। देखो 21 को मैं 100/120 से गुणा कर देता हूं, तो मेरा क्या जाएगा आंसर? देखो 20% लाभ हो जाता है, तो मैंने वो क्या कर दिया? कम कर दिया, तो मेरा आंसर आया इसमें 17.50 रुपये, 17.5 रुपये। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 17.5 रुपये। ये हमारा सीपी आ गया भाई, ये हमने क्वेश्चन में बताना था। दोबारा देखो 30 रुपये उसका मार्क प्राइस है, उसमें से 25% छूट प्रदान कर दे, डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, 7.5 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 30 में से 7.5 गया, उसके बाद 1.5 रुपये का मूल्य का पेन फ्री दिया है, हम वो भी माइनस कर देंगे, ये पेन है, इसके बाद कीमत कितनी बच गई? 21 रुपये की बच गई। अब भी 20% का उसे लाभ होता है, इसका मतलब सीपी क्या था? कम था, तब जाके उसको लाभ हुआ है, तो कम के लिए मैं 100/120 से सीधा गुणा कर दूंगा इसको, तो मेरा क्या जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1,080 रुपये में बेचकर 10% छूट देते हुए, 10% डिस्काउंट देते हुए 30% का प्रॉफिट कमा लेता है, यदि 7 सही 9/13% डिस्काउंट दिया गया होता ना, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? ये हमने बताना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रतिशत में ही लाभ और हानि सारी चीजें रखी हैं, और प्रतिशत में ही ये बात कर रहा है कि लाभ या हानि बतानी है परसेंटेज में, तो हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे भाई क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मैंने क्या करवाया था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चनों में देखो 10% अगर मैं डिस्काउंट देता हूं यहां से, तो मैं सीधा यहां उसको क्या लिख सकता हूं? 90 रुपये सीपी है हमारा। ठीक है, अब देखो 30% प्रॉफिट उठा रहा है वो, ये हमारा प्रॉफिट उठाया उसने, तो मैं सीधा इसको 130 रुपये क्या लिख सकता हूं? मार्क प्राइस। ये शॉर्ट में बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में, 10% डिस्काउंट सीधा 90 रुपये सीपी हो गया, 30% क्या हो गया? प्रॉफिट उठाया, तो 130 रुपये मार्क प्राइस हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो 7 सही 9/13%
अगर ये डिस्काउंट देता ना 130 रुपए पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता ये बताना है। देखो 130 का 7 से ही 9/13% देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 रुपये। ठीक है, कैसे निकालेंगे 130 का 13 7 91 और 9 100/13। ठीक है, और प्रतिशत के लिए नीचे 100 तो कितना आ गया, ठीक है 10 रुपये। अब देखो 90 रुपए की चीज है, अब यहां से 10 रुपए इसमें कम कर देंगे तो 120 रुपए क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, 90 रुपए की चीज है, बेच दी 120 रुपए में, कितने रुपए का 30 रुपए का उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है, कितने रुपए पर 90 रुपए। इसका मतलब है 1/3, और 1/3 क्या होता है 33 से ही 1/3% प्रॉफिट। तो आंसर क्या आया हमारा, 33 से ही 1/3% का उसने क्या किया है, प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, देखो 10% डिस्काउंट यहां दे दिया तो सीधा सीपी आ गया 90, 30% उसने प्रॉफिट लिया है तो सीधा हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब क्या कह रहा है कि 7 से ही 9/13% छूट दी गई होती, यहां पर डिस्काउंट अगर 7 से ही 9/13% का होता, जो कि 130 का कितना बनता है 10 रुपये बनता है, अगर ये कम कर देंगे यानी 120 रुपये में वो बेचता तो कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट होता, 90 रुपये की चीज 120 में बेच दी, 30 रुपये का प्रॉफिट, क्रय मूल्य पर 90 रुपये, 1/3, 33 से 1/3% होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 18,000 रुपए में बेचकर 20% छूट दे देता है और 10% का लाभ कमा लेता है, यदि अब वह कोई छूट ना देना चाहता हो तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमने बताना है। अब देखो इसमें इस स्टेटमेंट में इसका यूज नहीं करेंगे हम 18,000 रुपए का। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ गया 80, तो मेरा क्या आ गया, ये सीधा सीधा सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वहां पे क्या कर रहा है, 10% का क्या है प्रॉफिट है, सीधा मैं इसको 100 में बढ़ा दूंगा यानी इसको कर दूंगा 110 रुपये, तो ये मेरा क्या आ गया मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, देखो यदि अब वह कोई छूट ना देना चाहता हो, इसका मतलब क्या है, 80 रुपये की कोई चीज है और उसका मार्क प्राइस 110 रुपये है, अब वो कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता तो सीधा सीधा क्या पर बेचेगा उसको, 110 रुपये में बेचेगा, मार्क प्राइस पर ही वस्तु को बेच देगा। ठीक है, 80 रुपये की चीज है 110 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का बेनिफिट लिया 30 रुपये का प्रॉफिट लिया, कॉस्ट प्राइस पर कितना 80 पर, और 3/8 हमारा क्या होता है 37 से ही 1/2%, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया भाई। ठीक है, 37 से ही 1/2% का हमारे क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, अगर वो कोई डिस्काउंट ना देना चाहता हो तो सीधा का सीधा मार्क प्राइस पर बेच देगा अपनी वस्तु को, और वस्तु का मूल्य हमारा हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा था 80 रुपये था, और सीधा 110 रुपये में बेचेगा तो 30% 30 रुपये का लाभ ले जाएगा वो, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, तो सीधा कितना आ गया 37 से 1/2% का प्रॉफिट लिया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 देखें, 5 किताबें और 5 पेन का मूल्य 92 रुपये है, तो 5 किताब और 8 पेन का मूल्य 77 रुपये है, तो 3 किताबें 2 पेनों का मूल्य क्या होगा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो कैसे हल करेंगे। देखो अगर यहां भी 8 है और यहां भी 8 है क्रॉस में, और 5 यहां पर है, 5 यहां पर है क्रॉस में, दोनों तरफ इधर भी 5 है और इधर भी 5 है क्रॉस में दोनों तरफ, ठीक है बराबर बराबर अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो उसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, अब इसको एक बार जोड़ देते हैं हम, देखो 8 और 5 13, और बुक्स को मैं डिनोट करूंगा बी से, प्लस 8 और 5 13, ये होगा हमारा पी इज इक्वल टू कितना आ गया 169। ठीक है,
13 यहां से मैंने कॉमन ले लिया और बी प्लस पी इज इक्वल टू 169, तो बी प्लस पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बी प्लस पी इज इक्वल टू 13, ये हमारी कंडीशन आ गई फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एक बार तो मैंने जोड़ दिया, एक बार मैं क्या करूंगा इसको घटा दूंगा एक बार। ठीक है, यहां पर मैं सबस्ट्रैक्ट करूंगा, इसको घटा दूंगा। देखो 8 किताबें प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 92 के बराबर है, तो 5 किताबें प्लस 8 पेन इज इक्वल टू 77 रुपए के, तो एक बार मैं क्या करूंगा इनको घटा दूंगा। ठीक है, देखो घटा दिया यहां से, अब देखो कितना आया, 8 में से 5 गया, 3 माइनस 5 और माइनस का 8 है, तो माइनस का 3p इज इक्वल टू, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 में से 7 गया 5, 15, 3 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं कॉमन, तो 20 माइनस p इज इक्वल टू 15, और 3 को मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगा तो b माइनस p इज इक्वल टू 15/3, और 3 से काटेंगे तो 5, तो b माइनस p क्या आ गया मेरा 5 आ गया भाई। ये हमारी क्या आ गई, दूसरी कंडीशन आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो एक बार तो मैंने जोड़ा है, एक बार घटाया है, इससे हमारा क्या आ गया, b माइनस p इज इक्वल टू 5 आ गया। यहां पर क्या आ गया, b प्लस पी इज इक्वल टू 13 आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा हमारा, देखो बी प्लस पी इज इक्वल टू 13, ये हमारी पहली कंडीशन, बी माइनस पी इज इक्वल टू 5, ये हमारी दूसरी कंडीशन, इसको मैं जोड़ दूंगा, देखो ये हो गया हमारा 2b, ये हो गया हमारा माइनस कैंसल हो गया इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा 18, तो b की वैल्यू क्या आ गई 18/2, तो 2 * 18, तो b हमारा क्या आ गया 9। अब देखो b की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 9 है, तो मैं b की वैल्यू इसमें रख दूंगा, 9 प्लस p इज इक्वल टू 13, तो मेरी यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, यहां से मुझे b की वैल्यू मिल गई, यहां से मुझे p की वैल्यू मिल गई, b कितना है 9 है, तो मैं यहां रख दूंगा स्टेटमेंट में। देखो 3 किताबें, 3 गुणा में, और किताब किताब कितने की है, एक किताब 9 रुपए की है, तो गुणा में 9 प्लस 2 पेन है, तो पेन के लिए क्या है, पेन, एक पेन 4 रुपए का है, तो कितना आ गया, देखो 9 * 27 प्लस 4 * 8। ठीक है, अब देखो 8 * 7 = 15 और 2 * 3 क्या आ गया हमारा वैल्यू 35 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि आठ किताब 3 किताबें और 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 35 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें देखो इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए ना, यहां पर किताबें 8 हैं और यहां पर पेन 8 है, अगर दोनों ऐसे क्रॉस में बराबर हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार उसको यहां पर माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, एक बार जोड़ने से क्या आ गया हमारा, बी प्लस पी की वैल्यू 13 आ गई, एक बार माइनस करने से बी माइनस पी की वैल्यू 5 आ गई, दोनों को मैंने ठाके यहां पर जोड़ दिया, जोड़ने के बाद बी की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 की वैल्यू मैंने यहां पर, बुक की वैल्यू कितनी है 9 प्लस पी इज इक्वल टू 13, तो पी की वैल्यू यहां से आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 9, और मैंने इसमें यहां पर पुट कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल 35 रुपए। तो 3 किताबें और 2 पेन का मूल्य कितना है 35 रुपए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति किसी मेज को 12% हानि पर तथा किताब को 19% लाभ पर बेचे तो वह 160 रुपए लाभ कमाता है। यदि वह मेज को 12% लाभ पर तथा किताब को 16% हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपए की हानि हो जाती है, तो किताब का, एक किताब का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमने बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
मेज को मैं टेबल से डिनोट करूंगा और टेबल का मतलब टी लिखूंगा इसको। देखो 12% आने पर बेचता है, यानी माइनस 12% टेबल आने पर बेची, प्लस 19% लाभ है, तो इसलिए मैंने प्लस का निशान लगा दिया। तो 19% लाभ है। उसने किस पे लिया है, बुक्स पर लिया है, और टोटल 160 रुपए का लाभ कमाया उसने, तो यहां मैंने लिख दिया 160 रुपए। ठीक है यहां तक। दूसरी कंडीशन में देखो, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, ये थी हमारे फर्स्ट, ये हमारी सेकंड कंडीशन। अगर मेज को 12% लाभ पर, ये प्लस का निशान लगा दिया मैंने, 12% लाभ पर टेबल को, और 16% आनी पर, किसको, किताब को, तो आनी के लिए मैं क्या करूंगा, लॉस के लिए मैं माइनस लिख दूंगा, तो माइनस 16% किताब को बेचे तो उसे कितना, 40 रुपए की हानि होती है, तो माइनस 40 लिखूंगा मैं, इसलिए 40 रुपए की हानि होती है। ठीक है, ये मैंने माइनस में लिख दिया अगर हानि है तो। अब देखो इसको हम जोड़ देंगे, देखो जोड़ने के बाद क्या आया, 12% से 12% कैंसिल, टी से टी कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगर 19 में से 16 गया, 3% है, ये क्या आ गई हमारी बुक, इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस में है 40, तो 160 से 40 घटाएंगे तो 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो किताब का मूल्य क्या है, 120 बटा में 3% है भाइयों। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए मैं ऊपर क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, ऊपर गुणा में 100। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 0, तो एक किताब का मूल्य कितना आ गया, 4000 रुपये आ गया भाई। ठीक है, तो एक जो किताब है उसका मूल्य है 4000 रुपये। ठीक है, देखो दोबारा देखो एक बार, 12% आने पर टेबल को बेचा, 12% आने के लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया, प्लस 19% लाभ पर किताब को, तो 160 रुपये उसने लाभ कमाया। उसके बाद दूसरी कंडीशन, 12% लाभ पर टेबल को बेचा और 16% हानि पर किताब को बेचा, तो उसे कुल 40 रुपए की हानि हुई है। तो हम जोड़ देंगे 3% ये बुक्स के लिए, ये बुक बी लिख दिया, यहाँ पर 120 रुपये, 160 से 40 घटा दिए, 120 रुपये, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 3% को यहाँ नीचे ले गया मैं 3%, और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 3% नीचे बटे 100 करते तो ऊपर से लगा 100, तो अब किसको काटने के बाद क्या आ गया हमारा, 4000 रुपये एक किताब का कोस्ट प्राइस आ में क्या गया। कर रखा है कि एक वस्तु पर हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, तो उस वस्तु को 3200 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसे 2.5%, 2.5% का लाभ हुआ होता, ये बताना है। अब रेशियो क्या दे रखा है, ये है लॉस और ये है हमारा सेलिंग प्राइस। तो देखो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में कि इसमें दे रखा है लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो इसको मैं विक्रय मूल्य लिखूंगा। रेशियो दे रखा है कि 3:5। ठीक है, अगर रेशियो में कोई चीज है वो बटे में ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि 3 रुपए की आनी होती है उसे अगर वो 5 रुपए में कोई चीज बेचता है, तो इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे कि उसका क्रय मूल्य 8 रुपये, और रेशियो में अगर क्वेश्चन दे रखा है ना, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, यहां भी 2 जीरो लगा लेंगे, नीचे भी 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, यहां तक 5 रुपए की कोई चीज बेचने से 3 रुपए की हानि होती है, तो 8 रुपये में वो चीज उसका क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया भाई। ठीक है, ये क्या है, लॉस, ये क्या था, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो अगर कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है, तो उसने वो चीज बेची 500 रुपये में, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, तो उसे 300 रुपये का नुकसान हो रहा था। ठीक है, अब कह रहा है कि वो 3200 रुपये अधिक में बेचा गया होता, या से 3200 अधिक में बेच देता, तो उसे 2.5% का लाभ हो जाता, तो यहां पर हम उसको 2.5% का अगर हम लाभ दे देंगे, तो 800 का 2.5% कितना हो जाता है, 20।
ठीक है, तो यहां कितना आ गया 820 रुपए में वो चीज उसने क्या करी, बेच दी। ठीक है, देखो 800 का 2.5% कितना है, परसेंट के लिए 100 में और पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10, तो ठीक है 0 से 0 भी ये गया, 5 से ये गया, 5 दो 10, ये गया 2 चौके 8 और ये आ गया मेरा 20। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर 20 बढ़ा दिया। अब देखो पहले वो 500 रुपए में बेच रहा था, अब वो 820 रुपए में बेच रहा है भाई। ठीक है, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 320 रुपए अधिक में बेच रहा है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 3200 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे इतना लाभ होता, यानी 320 रुपए जो हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा है हम इसके बराबर रख देंगे 3200 रुपए के, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 10 रुपए। अब हमने क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना था। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 800, तो मैं इसको भी क्या करूंगा 10 गुना कर दूंगा भाई, तो 8000 रुपये मेरा क्या आ गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया भाई। ठीक है, सीपी, ये हमारा आंसर रहेगा 8000 रुपये। ठीक है, 800 रुपये सीपी है, 500 रुपये में उसने बेच, 500 रुपये में उसने बेच दिया। अगर वो कह रहा है कि 3200 रुपये अधिक में बेचता ठीक है तो उसे 2.5% का लाभ होता, तो इसका 2.5% निकाल दिया हमने, कितना आ गया 820 में वो चीज बेच दी, हमारे अकॉर्डिंग 320 अधिक में बेची है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3200 रुपए अधिक में बेची है, तो 320 यूनिट की वैल्यू 3200 के बराबर रख देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10 आ जाएगी, तो हम सीपी को भी 10 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपये। ये हमारा क्या है, सीपी है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 देखें, इसमें क्या रखा है कि एक व्यक्ति कुल 7500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, 7500 में दो वस्तुएं खरीदता है, पहली वस्तु को 20% आने पर और दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेच देता है, तो इस प्रक्रिया में हुए से लाभ या हानि की राशि ज्ञात करनी है अगर उनका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस बराबर क्या रखा है, तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहली वस्तु को उसने 20% हानि पर बेचा है, देखो 20% लॉस पर बेचा है, तो इसका मतलब 1/5, तो जो पहली वस्तु है ना उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, तो उसने क्या करा है 1 रुपए की हानि पर बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 4 रुपए। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है लॉस, और अब कितना हो गया हमारा, 5 रुपए का कोई चीज है वो एक रुपए के लॉस में 4 रुपए में बेच दी, ये हमारा सेलिंग प्राइस, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेच देता है, तो 60% का मैंने यहां पर फ्रैक्शन में ले लिया, तो 60% को क्या लिख सकता हूं, अपॉन 100, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5। ठीक है, ये अगर हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, 5 रुपए की चीज है, 3 रुपए का प्रॉफिट उठाने के बाद वो कितने में बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा भाई। ठीक है, यानी दूसरी कंडीशन, यहां से हम सेकंड कंडीशन रखे हैं, सेकंड वाली 5 रुपए की कोई चीज है वो 3 रुपये प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा, 8 रुपये में बेचेगा भाई, यहां तक ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या थी, उनका सेलिंग प्राइस क्या था, बराबर था, तो यहां से सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे, यहां पर सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का 4 रुपये है, यहां पर 8 रुपये है, तो इनको बराबर कर देंगे, इसको तो मैं 2 से गुणा करूंगा और इसको 1 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 8 आ गया ऊपर, इसका मतलब यहां 2 से किया है तो यहां भी हमने 2 से करना पड़ेगा, तो अब पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना वो 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और इसका 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 5 रुपये। अब देखो इसका मतलब ये है, पहली वस्तु और सेकंड वस्तु दोनों जो खरीदी गई है, पहली 10 रुपये में, दूसरी 5 रुपये में, यानी 15 रुपये में उसका वो खरीदी गई है दोनों। ठीक है, और बेची है कितने में, ये भी 8 में और ये भी 8 रुपये में बेची है, यानी कि 16 रुपये में बेच दी, यहां तक ठीक है। दोनों वस्तुएं 15 रुपये में खरीदी, 16 रुपये में बेच दी, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट उठाया उसने, 1 रुपए का प्रॉफिट उठाया, यहां तक बात ठीक है। अब देखो कुल 7500 रुपए में उसने क्या किया था, खरीदी थी वो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 15 रुपये में खरीदी है। ठीक है, यानी हमारे अकॉर्डिंग 15 रुपये में खरीदी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि
7500 रुपए में दोनों खरीदी है, कितने गुणा है ये, 500 गुणा है। तो हमने क्या बताना था, इस प्रक्रिया में हुए लाभ या हानि की राशि बतानी थी। हमारे अकॉर्डिंग लाभ लाभ कितना है, प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो यहां भी मैं इसको कितने गुणा कर दूंगा, 500 गुणा, तो मेरा प्रॉफिट क्या आ गया, 500 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा, 500 रुपए आ गया। देखो 20% आने पर 20% का फ्रैक्शन बना लिया, 1/5, 5 की चीज 1 लॉस में 4 रुपए में बेच दी, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 4 रुपए पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का 60% लाभ पर इसको फ्रैक्शन में ले आए, 3/5, 5 रुपए की चीज 3 का प्रॉफिट, 8 रुपए में बेच दी, 5 रुपए की चीज 8 में बेच दी, सेलिंग प्राइस को हमने बराबर कर दिया, इनको यहाँ 4 था यहाँ 8 था, इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया, कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का 15 रुपए, सेलिंग प्राइस 16 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग उसने 1 रुपए का लाभ लिया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7500 रुपए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो हमारे अकॉर्डिंग 15 रुपए क्रय मूल्य था, इसको 7500 के बराबर रख दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500, और हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का, तो इसको भी मैंने 500 गुणा कर दिया, तो हमारा क्या गया, 500 रुपए आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तुएं बेचता है, एक वस्तु पर 20% लाभ है तो दूसरी वस्तु पर 60% लाभ पर बेच देता है, तो पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे 650 रुपए का लाभ अगर हुआ हो, तो दोनों वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, ये बताना है, और अगर यदि उनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए बराबर हो तो। अब देखो पहली वस्तु उसने बेची 20% लाभ पर, और 20% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/5, यानी पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और उसने लाभ ले लिया 1 रुपए का, 5 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ लेकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, वो 6 रुपए में बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 रुपए। तो देखो ये फर्स्ट वाली चीज है, इसका कॉस्ट प्राइस और ये है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। दूसरी कंडीशन में देखो 60% का लाभ हो जाता है उसे दूसरी वस्तु पर, तो इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, तो 100, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी मैं कह सकता हूं 3/5, यानी 5 रुपए की कोई चीज है, 3 रुपए का उसने क्या उठाया है, प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा, ये उसका सेलिंग प्राइस है। देखो सेकंड वस्तु को, ये वाली सेकंड वाली देखो, 5 रुपए की चीज थी, ठीक है, और 3 रुपए का प्रॉफिट लिया उसने, और कितने में बेच दी, 8 रुपए में बेच दी, तो मैं यहां कर लिख दिया मैंने दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपए। अब तीसरी कंडीशन पूरी कर देंगे, सेलिंग प्राइस उनका क्या है, कंडीशन बराबर है। अब देखो यहां पर 6 है सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 है, तो इसको एलसीएम लेकर बराबर कर लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया एलसीएम, इसको मैं 4 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। जिससे मल्टीप्लाई यहां किया है उससे यहां भी करेंगे एक बार, यहां से 4, यहां से 3 किया था तो इसको 3 से, 5 की और 4 की करेंगे तो 20, ये हमारा 24 है। अब इसको करेंगे तो 5 3 15, ये हमारा कितना है, 24। अब देखो दोनों वस्तुओं को जोड़ो, पहली 20 थी और 15 थी, टोटल मिला के दोनों वस्तुएं 35 रुपए की थी हमारे अकॉर्डिंग, और उसने कितने रुपए में बेची है, वो 24 रुपए की एक, दूसरी वस्तु 24 की, यानी 48 रुपए में वो चीज उसने सेल कर दी भाई। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो 35 रुपए की दोनों वस्तुएं थी और उसने बेच दी 48 रुपए की, 13 रुपए का उसने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसे 650 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, टोटल 650 रुपए का लाभ होता है, लेकिन यहां पर हमारे अकॉर्डिंग तो 13 रुपए हैं, तो इस 13 यूनिट की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस 13 को 650 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, कितने गुणा है, 50 गुणा। ठीक है, हमने निकालना क्या है, टोटल सीपी निकालना था, 35 रुपए हमारे अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 50 गुणा कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 1750 रुपए।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। टोटल दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1750 रुपए है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ हमने 20% को 60% को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का 35 रुपए है, दोनों वस्तुएं बेच दी 48 रुपए में। हमारे अक्कॉर्डिंग लाभ कितना आ गया, 13 रुपए का। क्वेश्चन में दे रखा है 650 रुपए का, इससे 650 के बराबर रख देंगे, कितने गुना आ गया, 50 गुना। तो इसको भी मैं कितना कर दूंगा, 50 गुना कर दूंगा, तो मेरा क्या आ गया, 1750 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया भाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब देखें 37 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37, इसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन से एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखो एक व्यक्ति दो वस्तुएं 1710 रुपए में बेचता है, दो वस्तुएं थी और 1710 रुपए में बेच देता है। हमें नहीं पता कि पहली वस्तु कितने में बेची है, दूसरी वस्तु कितने में बेची है। इसमें क्या कर रहा है कि पहली वस्तु को 10% के लॉस पर बेच देता है, ठीक है, 10% आने पर, और दूसरी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो हमें बताना है कि लाभ या हानि उसे जो भी हुआ है उसकी राशि क्या है। ठीक है, कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन दे रखी है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चनों में क्या था, सेलिंग प्राइस वस्तुओं का बराबर होता था, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर करना है हमने। देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, 10% का लॉस है, 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी 10 रुपए की कोई चीज 1 रुपए का लॉस कितने रुपए में बेची, 9 रुपए में, ये सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां लिखूंगा जो पहली वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए है पहली वस्तु का हमारे अकॉर्डिंग, और लॉस कितना हो गया 1 रुपए का, तो बेची कितने में, 9 रुपए में उसने बेच दी। दूसरी बार क्या कह रहा है वो कि 25% दूसरी वस्तु को लाभ पर बेचा है, तो यहां से 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 4 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ लेकर वो कितने में बेचेगा, 5 रुपए में, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेकंड जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए है, और बेची कितने में है, 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर कितने में, 5 रुपए में। अब देखो पहली वस्तु का सीपी, पहली वस्तु है 10 रुपये, दूसरी वस्तु के एसपी ये है 5, ये 10 है ये 5 है। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 10, तो बराबर हो गए। 2 से यहां गुणा किया है तो 2 से यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 8 रुपये। पहली वस्तु 10 रुपये की थी, दूसरी वस्तु 8 रुपये की थी, टोटल 18 रुपये की थी भाई। अब देखो बेची कितने में है, 9 रुपये में, और ये 10 रुपये में कितने में बेच दी, 19 रुपये में बेच दी। ठीक है, कितने रुपए का लाभ लिया है, 18 रुपये की चीज है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, उन 18 रुपये की चीज 19 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया है भाई उसने। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति 1710 रुपये में दोनों वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों वस्तुएं 1710 रुपये में बेचता है, लेकिन हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 19 रुपये में। तो यहां से मैं 1710 के बराबर अगर 19 को रोक देता हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 90 रुपये। भाग देगा देख लिया करो इससे। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 90 से गुणा कर दूंगा, 90 गुणा, तो हमारा आंसर आ गया 90 रुपये, 90 रुपये। ठीक है, यानी कि उसे टोटल लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 90 रुपए का लाभ हो रहा है भाई। ठीक है, प्रॉफिट ले लिया उसने। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस कंडीशन यहां ठीक थी इसकी। देखो कॉस्ट प्राइस है ना पहली वस्तु का वो, और सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का, दोनों बराबर थे, बराबर करने थे हमने, तो यहां से हमने बराबर कर दिए। पहली वस्तु दोनों मिलाकर, दोनों वस्तुएं 18 रुपए की होगी, और 19 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस उनका कितना है, 1710 है,
तो 19 को 1710 के बराबर रखेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, तो प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग एक था, इसको भी 90 गुणा कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 90 रुपए। ठीक है, लाभ यानी बतानी थी तो 90 रुपए ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह क्या करता है, 1 किलो के बाट की बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी 100 ग्राम वजन कम तोलता है, तो मैंने बताना उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कैसे करेंगे, 1000 ग्राम उसने क्या करना था, ये उसका क्या जाएगा 1000 ग्राम, ये मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा है कि वो कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, यानी 1000 रुपए ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 1000 ग्राम चीज थी, 1000 ग्राम ही उसने कह रहा है कि मैंने बेच दी, क्रय मूल्य पर ही बेच दी, तो इस तरफ वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए था लेकिन उसने किया 900 ग्राम का प्रयोग, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट बताना है हमने, 900 ग्राम यूज किया है उसने, करना चाहिए था 1000 ग्राम, यानी 100 ग्राम उसने प्रॉफिट लिया है, कितने से 900 ग्राम पर, ये हमारा क्या आ गया 1/9, 11 से 1/9%, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 1000 ग्राम की बजाय वो 900 ग्राम का यूज करता है, लेकिन कहता है कि मैं बिल्कुल क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं वस्तु को, ठीक है। 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम उसने दे दिया, यानी 100 ग्राम का उसने क्या है लाभ लिया है यहां पर, कितने पर, 900 ग्राम बेचकर, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या जाएगा, 11 से 1/9% का प्रॉफिट लिया दुकानदार ने। एक क्वेश्चन और देखो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वजन तोलते समय क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो कितना परसेंट का लाभ उठाता है वो बताना हमने। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर हम माने कि वो है 1000 ग्राम उसे तोलना चाहिए था, ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस था वस्तु का, तो उसने क्या किया है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा किया है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, यानी 1000 रुपए में ही 1000 ग्राम का ही प्रयोग करता है वो, ठीक है। लेकिन वो दूसरी तरफ क्या करता है, 1 किलोग्राम का यूज नहीं करता वो 800 ग्राम का यूज करता है बाट का, ठीक है। तो कितने रुपए प्रॉफिट लिया उसने, उसने है ना वजन करना चाहिए था 1000 ग्राम का, लेकिन उसने तोला कितना 800 ग्राम, 200 ग्राम उसने बेनिफिट उठाया है 800 रुपए पर, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1/4, और परसेंटेज में तोड़ेंगे तो गुणा में 100 और 4 से ये गया 25 पर, तो मैं कह सकता हूं 25% प्रॉफिट लिया है उसने, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम यहां पर जो प्रॉफिट होएगा ना वो जितना कम तोल रहा है ना उस पर प्रॉफिट लेगा वो, ठीक है। 800 ग्राम यहां पर नीचे इस पर प्रॉफिट निकालना है 800 ग्राम पर, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों क्वेश्चन नहीं है ये, एक जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। सवाल देखो कैसे होता है, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार कहता है कि इस वस्तु पर, जैसे मानकर चलो हम शर्ट खरीदने गए, तो दुकानदार ने कह दिया कि मैं इस शर्ट के ऊपर 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, 500 रुपए की कोई चीज है 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी 400 रुपए की वह चीज होगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कई बार क्या होता है कि दुकानदार कह देता है कि अगर आप 3 वस्तुएं खरीदोगे ना, यानी कि मानकर चलो आपने आप पैंट खरीद लिया आपने, ठीक है, वो दुकानदार कहता है कि 3 पैंट खरीदने पर मैं आपको 2 पैंट फ्री दूंगा भाई, समझ गए,
तीन पेंट अगर आप खरीदोगे तो मैं दो पेंट क्या करूंगा फ्री में दूंगा आपको, तो कितने परसेंट का वो डिस्काउंट दे रहा है अगर हमने ये ज्ञात करना हो तो। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, तीन पेंट पर दो पेंट फ्री दे रहा है वो, तो बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। देखो हम दोनों को जोड़ेंगे, तीन पेंट और दो पेंट दोनों मिलाकर कितनी होगी, पांच पेंट होगी। और जो फ्री में दे रहा है ना दो पेंट है, उसको हम ऊपर रखेंगे। देखो जो फ्री में दे रखी है पेंट वो तो रखेंगे ऊपर, उसकी क्वांटिटी दो है, ठीक है। और टोटल कितनी होगी, तीन और दो पांच, तो गुणा में 100, 5 × 10, तो मैं कह सकता हूं कि उसने 40% का डिस्काउंट दिया है भाई। आया दोस्तों समझ में? तीन पेंट खरीदते हैं तो दो पेंट वो फ्री में देता है हमें, तो जो फ्री में दी है ना ये तो लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितने डिस्काउंट निकालते हैं तो हम टोटल कितनी पेंट दी है उसने, तीन और दो पांच दी है, ठीक है टोटल। तो हम क्या कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने 40% का डिस्काउंट दिया है। दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो कहेगा 40% का डिस्काउंट दे रहा है, इसको छुपा लेगा वो, कई बार इसको छुपा के क्या करेगा कि इतनी पेंट खरीदोगे तो आप इतनी पेंट फ्री है, ठीक है। एक और देखो, जैसे मैं यहां कहूं आपको, मान के चलेंगे अगर आपने दो शर्ट खरीदी भाई, ठीक है, और वो कह रहा है कि दो शर्ट पर मैं दो फ्री दूंगा, तो बताओ डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। दो शर्ट खरीदी हैं और दो फ्री दे रहा है वो, तो मैं यहां लिखूंगा कि दो शर्ट फ्री हैं, टोटल कितने पर, चार पर, ठीक है, तो गुणा में 100% के लिए, तो ये आ जाएगा 25, और इसको मैं कह सकता हूं कि वो 50% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चों, ठीक है। दो शर्ट खरीदने पर दो मुफ्त पाए, टोटल कितनी, चार, दो खरीदी हैं तो ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि उसे 50, वो दुकानदार 50% का डिस्काउंट दे रहा है। दोनों बात सेम है भैया, ठीक है। देखो या तो ये कह दे कि दो शर्ट खरीदने पर दो फ्री, एक ही बात होगी। अब देखो ये बात कर रहा है कि वो 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों कंडीशन एक ही है, 50% प्रॉफिट और यहां पर दो शर्ट के साथ दो फ्री, दोनों बातें एक जैसी है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का, क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो इक्वल है, समान है, एक जो वस्तु है उसको तो वह बेचता है 27% लाभ पर, और जो दूसरी वस्तु उसने बेची है ना वो पहली वस्तु से 600 रुपये कम में बेची है, ठीक है। अगर कुल लाभ टोटल दोनों वस्तुओं पर प्रॉफिट 25% का है, तो हमने बताना है कि प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने दो वस्तुएं थी ना, तो दोनों का अलग अलग हमने बताना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, समान भी है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। देखो मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 100 रुपये है, तो पहली को उसने किसमें बेचा है, 27% लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो मैं इसको 27% लाभ बेच देता हूं यहां पर, 27% यानी 127 रुपये में बेच दी, यानी ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य था भाई, ठीक है, और उसने पहली वस्तु को बेच दिया इतने में, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100 ही रुपये हुआ। अब देखो पहली वस्तु का, जब मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये माना है, तो दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपये। टोटल मैंने कितना लाभ लेना है, कंडीशन देखो यहां पर 25% का लाभ उसे कुल लाभ हुआ है दोनों वस्तुओं पर, तो इसमें 25% में लाभ जोड़ दूंगा, तो 25 × 50 यानी 50 रुपये का लाभ लिया, तो मैं कह सकता हूं कि उसने दोनों वस्तुएं कितने रुपए में, 250 रुपये में बेचनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो
दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए है, 25% का कुल लाभ लेना है, यानी कि 250 रुपए में वो बेचेगा उन दोनों वस्तुओं को, ठीक है। अब उनमें से एक वस्तु तो उसने बेच दी 127 रुपए में, और दूसरी वस्तु कितने में बेची होगी? 250 से 127 माइनस कर दूंगा तो 123 आ गया। इसका मतलब ये दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। देखो 123 रुपए में बेच दी पहले वाली 127 में, दूसरी वाली क्या करेगा, 20-25% का प्रॉफिट उठाने के बाद मुझे यहां से पता चल गया दूसरी वस्तु उसने 123 रुपए में बेची है, ये भी दूसरी वस्तु का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो पहली वस्तु से दूसरी वस्तु कितने रुपए कम में बेची है, देखो यहां से ध्यान से क्वेश्चन, कितने रुपए कम में बेची है, 4 रुपए कम में बेची है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली वस्तु जो है ना, पहली दूसरी वस्तु, पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेची है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 4 रुपए कम में बेची है, ठीक है। इसको 600 के बराबर में रख दूंगा तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू 150 रुपए आ गई हुई, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा 150 गुना, तो मैं कह सकता हूं कि उस वस्तु का जो मूल्य था ना वो 15,000 रुपए था भाई एक वस्तु का, क्योंकि हमने ये मान रखे है ना दोस्तों ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 15,000 रुपए, और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था इक्वल था, तो दूसरी वस्तु का भी 15,000 रुपए, दोनों का पूछता तो वो 30,000 रुपए कॉस्ट प्राइस होता उसका, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में। जय हिंद।